हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। सब बच्चे एक बार शेयर करेंगे, जितने भी अपने दोस्त है, दोस्त को, आपके जो भी रिलेटिव हो सकते हैं, चलिए फटाफट शेयर करो ताकि आज ही। चलिए तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। आज है हमारा केटीजी। ये चैप्टर करने से आपको 7 नंबर कम नहीं होते, मतलब 10% सिलेबस का 70 मार्क का पेपर होता है, 70 में से 7 मार्क मतलब होते हैं बच्चों 10%, मतलब 7 मार्क का चैप्टर है। मुझे बताने में ये खुशी है बच्चों कि ये सबसे छोटा और एकदम कम समय में चैप्टर हो सकता है। थोड़े से लॉग ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि ये चैप्टर का हेल्प आपको जरूर जरूर केमिस्ट्री में होगी, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं और अच्छी तरह से ध्यान भी देने वाले हैं हमारे बच्चे। तो चलिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट्स, जैसे कि मैं कुछ साइंटिस्ट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आता है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और एक प्लाज्मा स्टेट होती है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज है बच्चों कुछ गैसेस की, तो उसके बारे में, गैस किसको कहा जाता है, क्या जनरल प्रॉपर्टी बनेगी। सर देखो, गैस रहा तो डेंसिटी बहुत लो होनी चाहिए। लो डेंसिटी है वो गैस होता है, सबको पता है, दे आर होमोजीनियस, मतलब एक जैसे होते हैं, सबके प्रॉपर्टी एक जैसे, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो होमोजीनियस होते हैं, सेम। गैस कैन कॉम्प्रेस और एक्सपांड इजिली, उसको गैस को हम कॉम्प्रेस दबा भी सकते हैं और एक्सपांड भी कर सकते हैं, ओके, दोनों भी कर सकते बच्चों। नेक्स्ट है, दे कैन बी लिक्विफाई लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रहा तो गैस को हम लिक्विफाइड में कर सकते हैं, जैसे कि गैस है हमारे पास, और वो जो गैस है बच्चों, तो ये गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो एंड हाई प्रेशर, प्रेशर हाई और लो टेम्परेचर रहा तो गैस को हम लोग लिक्विड में कन्वर्जन कर सकते हैं। दे एग्जर्ट द प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, प्रेशर क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल से और प्रेशर क्रिएट ना करे, तो करते, ये भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस आर मेजरेबल, बच्चों जो भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, इसका मास भी होता है, ओके, इसका वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता, वो भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, गैस मॉलिक्यूल का मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं बच्चों, ठीक है। द स्टेट ऑफ गिवन मास ऑफ गैस डिटरमाइन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। दिस क्वांटिटी इज रिलेटेड, ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि मैं आप लोगों को यह तैयार करके देने वाला हूं। तो पहले तो एक हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर बोल सकते हैं। एक ऐसा लॉ आएगा बच्चों, इसका नाम होगा कुछ, क्या होगा कमेंट में बता सकते हैं आप, इसका नाम क्या हो सकता है। और यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी और प्रेशर इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, इनका भी लॉ है बेटा, शायद इसका बी से नाम होगा, है ना, शायद इसका सी से नाम है और शायद इसका जी से नाम है, क्या नाम है कमेंट में बोलना, मैं पढ़ाने वाला हूं बट आपसे उम्मीद रखता हूं कि ये लॉ क्या क्या है बताने हैं, है ना। वी यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बेटा, टी कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे हमारे पास पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, और यहां पे टी कांस्टेंट होगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये बताने हैं लॉ कौन कौन से, क्या बता पा रहे हैं आप लोग, पीवी इज इक्वल टू बॉयज लॉ, ओके, चार्ज लॉ, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा लग रहा है ना। तो ये लॉ मैं पढ़ाने वाला हूं, अभी समय है, बस समय के साथ साथ चलते रहेंगे। तो जिस लॉ की राह देख रहे थे बच्चों, ये लॉ मैं आप लोगों को घरेलू एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कितने लोगों के घर में सिलेंडर, भैया गैस का सिलेंडर, टाकी होती है, टाकी रेड कलर की टाकी आती है हमारे इधर, आपके इधर कौन सी आती है बताना है, आती है क्या वो टाकी में, क्या किया बच्चों आप लोगों ने,
टाकी जो होती है उस टाकी में क्या किया है, आपको पता है बहुत प्रेशर, प्रेशर देख के दबा के है ना वॉल्यूम कम कर दिया गैस का। अगर गैस का जो कॉक है वो छोड़ दोगे तो वो गैस पूरी कॉलोनी में हो सकती है, देखा आपने। तो सिलेंडर का एग्जांपल लोगे तो मजा आ जाए भैया, गैस सिलेंडर का अगर एग्जांपल लोगे, सिलेंडर है ना, गैस सिलेंडर, गैस लिखता हूं मैं, गैस सिलेंडर का एग्जांपल है, ठीक है, गैस सिलेंडर, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ जो है बच्चों वो लॉ क्या कहता है, ठीक है, तो देखते हैं यहां पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P, राइट बच्चों, V V मतलब वैल्यू में बेटा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, ओके, प्रेशर से दबा पे सिलेंडर के अंदर। लेकिन यहां पे T ये हमारे पास कांस्टेंट है बेटा, ये T क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, क्या समझ पा रहे हो, ओके, फिक्स मास ऑफ गैस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा बेटा कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर अगर चेंज होता एलपीजी, यस है ना, वही एलपीजी, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, यही लिखा है, तो मैं लिख सकता हूं पी वन या पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं बेटा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पी वन वी वन पी टू वी टू is equal to constant बेटा, समझ में आ रहा है, ओके, कोई टेंशन तो नहीं है। सिलेंडर का एग्जांपल ध्यान रखिए, द गिवन मास ऑफ अ गैस है ना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, यही बॉयज का लॉ है बच्चों, है ना, बॉयज नहीं है, बॉयज लॉ है, नहीं तो बॉयज बोलेंगे बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, एक दूध दिख रहा है गैस पे रखे वाला है, टेम्परेचर नीचे से बढ़ने से इसका वॉल्यूम देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है, ओके, देख पा रहे बच्चों आप, ओके, देखो ना टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया दूध का वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों। तो दूध का एग्जाम्पल दुआ में याद रखना, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे भी। तो यहाँ पे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, लेकिन यहाँ पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर प्रेशर है बच्चों, ऊपर क्या है प्रेशर है, ये प्रेशर कैसे होना चाहिए कांस्टेंट, प्रेशर कैसा है मेरे बच्चे कांस्टेंट है, क्या समझ पा रहे हो, व्हाट इट मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसा वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, ओके। तो लिखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, लेकिन P कैसा है कांस्टेंट है, इसी को ऐसे भी लिख सकते V, ये T इधर आने से हम लोग कांस्टेंट लिख सकते बच्चों। तो हम लोगों को ये रेशियो कांस्टेंट मिलेगा, V1 T1 V2 T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। तो ध्यान क्या रखना है, चार्ज, चार्ज दूध का एग्जाम्पल, मिल्क दूध, दूध दूध का एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से याद आप लोगों को रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, वाओ ये क्या है, क्या है भाई ये क्या है, ओए क्या ये है हमारे पास प्रेशर कुकर। कितने बच्चे खिचड़ी खाते भाई, खिचड़ी वाले कितने बच्चे हमारे, खिचड़ी वाले कितने बच्चे हैं जो खिचड़ी खाते हैं डेली, बताओ खिचड़ी खाते हो, अरे भाई खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी है ना, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से तो यह सिट्टी जो है भैया ऊपर आती है और बाहर हवा निकलती है, नो खिचड़ी वाह बहुत सारे बच्चे खिचड़ी खा रहे, देखो यहां पर कमेंट में बहुत लिख रहे, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि भाई यहां पे वॉल्यूम और सॉरी प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, टेम्परेचर बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कुकर का एग्जांपल, या इसको प्रेशर लॉ भी बोल सकते हो, दूसरा और नाम दे सकते हो, क्या नाम दोगे इसको, प्रेशर लॉ भी बोल सकते हो, प्रेशर लॉ, जैसे गे लिसक लॉ, इसको प्रेशर लॉ भी बोलते हैं,
प्रेशर लॉ इजी लगता है तो प्रेशर कुकर याद आएगा, इसलिए प्रेशर लॉ से याद रखना है। क्या है लॉ सर? द प्रेशर ऑफ फिक्स मास ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी कौन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन यहां पे आपके घर में आपके मम्मी को पूछ लेना, जरूर पूछेंगे मेरे बच्चे, कितने बच्चे हैं कितने बच्चे घर पे पूछने वाले बताओ, पूछने वाले हो क्या आप? क्या पूछोगे कि सर ने पूछा है कि कितने लीटर का, क्या बोलना है कितने लीटर का? आएंगे बेटा टेक अर्निंग साहिल वन की, ठीक है? घर में पूछ लेना कितने लीटर का प्रेशर कुकर है, इससे डिसाइड होता बेटा, ठीक है? तो यहां पे उसका वॉल्यूम एक फिक्स होता है, 2 लीटर 3 लीटर 1 लीटर आधा लीटर जो भी है, तो वी जो होता है इसका हमेशा ये कांस्टेंट ही होगा। क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, समझे? तो प्रेशर ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द वैल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। वैल्यूम कैसा बेटा? कांस्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? ये आपको डेफिनेशंस नहीं है, आपको पढ़नी है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन पता होना चाहिए। टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ गैस वुड बी जीरो, प्रेशर कैसा होना चाहिए? जीरो इज -273.15, है ना? इस टर्म एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये पढ़ना नहीं है हमको, बस ये पता होना चाहिए अवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। ये बस याद करो कि आपको पता दो कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल 22.4 लीटर ऑफ एनी टर्म द अवोगाड्रो नंबर अप्रोक्सीमेटली टेकन द, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक बकेट में? मैंने 22.4 लीटर इतना गैस ले लिया। तो किसी ने पूछा कि सर इसमें नंबर्स ऑफ या मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? तो आप बोल सकते बच्चों 6.023 × 10⁻²³। ये नंबर है इसलिए इसको यूनिट नहीं दिया गया है। अगर किसी ने पूछा एक बकेट ले ली पानी की, उसमें गैस डाल दिया, गैस डाल दो बच्चों, कितना गैस डाला? 22.4 लीटर इतना गैस डाला। तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर? तो आपको बता दो बच्चों, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो 6.023 × 10⁻²³ होते हैं। ओके, वन मोल। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोगों को, जरूरी नहीं है कि ये याद ही करना पड़े, ठीक है ना? तो छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए। इन तीनों को एक जगह पे करके हम लोगों को PV = NKBT ये फार्मूला निकाल के देना है। सभी को पता है कि पी और वी को, देखो पी और वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। अभी अभी जिनको याद नहीं भाई करवा देता हूं, टेंशन मत लेना। पी पहले वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी याद है, दूध का एग्जांपल, दूध कौन कौन पीता है मेरे भाई, दूध कौन कौन पीता है, ये दूध का एग्जांपल था। अरे प्रेशर गैस का इक्वेशन था, प्रेशर प्रेशर लॉ, ये याद आ रहा है? तो बस मैंने पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी लिखा है। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? समझ पा रहे आप? यस और नो? ये कौन सा है बच्चों? ये हमारा चार्ज लॉ, और ये कौन है भाई? प्रेशर लॉ, प्रेशर लॉ, प्रेशर प्रेशर का लॉ था। ये दोनों को एक जगह पे ला लिया, समझ पा रहे हो? दोनों को एक जगह पे ला लिया। अब ऐसे ही अगर P by V ये डिवाइड लाते तो इसको कांस्टेंट लिखना पड़ता, सही है बच्चों? तो यहां पे P1 V1/T1 या आप लोग P2 V2/T2, इनका हमेशा जो भी है आंसर वो ये इक्वल मिलने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? ओके, समझ पा रहे होंगे तो आगे बढ़ सकता हूं मैं। इसी को बच्चों मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, बस n लगाऊंगा। n मतलब नंबर्स ऑफ मोल, कितना नंबर्स ऑफ मोल गैस लिया आपने। अरे कांस्टेंट टर्म रखना पड़ती है, और वही कांस्टेंट टर्म मैंने निकाली है n r t। r इज द, ये जैसे ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लिखा था याद है बच्चों, वैसे R is universal gas constant है। कौन है बेटा? Universal gas
कॉन्स्टेंट बेटा, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, समझ पा रहे हो? आर कौन है? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये 8.31 जूल पर मोल केल्विन इनवर्स, ऐसे ही है ना यूनिट, जूल पर मोल केल्विन इनवर्स, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों। एन क्या है? नंबर्स ऑफ मोल, जो था हमारे पास एन, इसका भी एक फार्मूला मैं लिख के दे रहा हूं, दोनों फार्मूले याद होना चाहिए। मैं क्या, मास ऑफ गैस, देखो मास ऑफ अ गैस, और इसको कैपिटल एम से लिखते, ध्यान रखना बच्चों, डिवाइडेड बाय मोलार, मोलार मास, और मोलार मास को हम लोग कैपिटल एम नॉट से लिखते हैं बेटा। सेम टू सेम एन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि एन अपॉन एन ए, यही एवोगैड्रो नंबर है, एकदम मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलार मास, ये और ये एक की लैंग्वेज है बच्चों। जैसे आप लोगों ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा था, ये आइडियल गैस इक्वेशन, इसको और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते, ये बोलना पड़ेगा इसको, ये है भाई आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अल्टरनेटिव मेथड है बच्चों इसी को लिखने की, वो लिखा तो अच्छा रहेगा, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, देखो पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, के बी ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा, ऐसा फील होता होगा आपको भी कि किसी के जगह पे किसी को लिखा गया है, किसी के जगह पे किसी को लिखा गया है, मतलब यहां पे अगर हमारे पास यहां एक लिखा होगा शायद आर इज इक्वल टू एन ए के बी, ऐसा लग रहा होगा ये लिखा है, बस बाकी कुछ नहीं बेटा। ओके, यही इसका इक्वेशन था, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी। ओके, एन के बी, के बी इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वी इज द वैल्यू, आर पी इज द प्रेशर बेटा। ठीक है, ये जो मैं लिख के दे रहा हूं शायद ये आपको ज्यादा ज्ञान होना चाहिए इसलिए लिख के दे रहा हूं, मैं जैसे बोल रहा हूं थोड़ा सा अंदाज से लिखना आना चाहिए बच्चों। बच्चे क्या करते हैं, बहुत प्रेशर में रहते, प्रेशर में ना रहता हुआ बेटा इसको पढ़ना है बस। व्हाई नेसेसरी टू मेक द अजम्पशन व्हाइल स्टडिंग द बिहेवियर्स ऑफ गैस, हम लोगों को गैस का बिहेव अगर पता करना है तो कुछ अजम्पशन को पकड़ के चलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई हाँ ये है तो ये होगा, नहीं तो झगड़ा मत करो इसके साथ बोलो मत कि ऐसा ही होना चाहिए। वैसे देखो फॉर एनी सॉलिड, वन मिनट सॉरी, ठीक है देखते, फॉर एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट मोशन कैन डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है जैसे कि मैंने ये मार्कर ऊपर फेंका इसका मोशन हो रहा था, तो आप लोग न्यूटन्स के लॉ लगाते होंगे, कौन से लॉ लगाते बेटा, न्यूटन्स के लॉ लगाते हो, लगाते हो, जैसे कि इस मार्कर को ऊपर फेंका तो कौन सा लॉ लगा है, मोशन से, मोशन है तो न्यूटन के लॉ को अप्लाई किया जाता है। वैसे किसी रूम है या कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में अगर गैस को हमने इनक्लोज करके रखा तो वहां पे जो लॉ लगाते हैं तब हम लोग कौन से लगाएंगे, है ना, कुछ होंगे उसके लिए, तो इसके लिए बेटा हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को पकड़ के हम लोगों को गैस लॉ, ये लॉ लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि भैया इसका मोशन क्या, तो न्यूटन का लॉ लगा है, किसका, इस मार्कर का, तो वैसे इनक्लोज कोई कंटेनर में गैस होगा तो माइक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल लाइक द प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में उसके सोचना पड़ता है। गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज रैंडम मोशंस, ये मोशंस कैसे करते हैं, वे भैया ऐसे जाके यहां टक्कर मार रहा है, यहां यहां किसी के नाक पे, किसी के फोरहेड पे, किसी के हाथ पे टक्कर मार रहे, फिलहाल में भी आपके रूम में भी बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, बस ऐसे 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 इधर उधर घूम रहे हैं, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, तो इसी के कारण उसकी पढ़ाई करनी, स्टडी करनी है पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आपके मालूम के लिए, वन क्यूबिक मीटर में 10^23 मॉलिक्यूल्स है, भगवान गिनते बेटो, मतलब वन के ऊपर 23 एक दो तीन चार पांच ये इतने सारे 23 बच्चों, गिन लो गिन लो गिन लो गिन लो भाई गिन लो,
पॉसिबल है क्या? द मोशन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिलेटेड द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर पीवीटी एंड एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे व्हाट इज द गैस? गैस क्या होता है? गैस विच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस। आइडियल गैस में बच्चों ध्यान रखना, जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता, मतलब एक दूसरे को चिपकते नहीं है, खींचते नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं होता है इसके अंदर। दूसरी बात, ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है। किसमें बता रहा हूं? आइडियल गैस में। किसमें बता रहा हूं बच्चों? आइडियल गैस में। देखते ठीक है, मेंशन द कंडीशन अंडर द आइडियल गैस। देखो पहला ही लिखा है लो डेंसिटी होती है, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। इन अदर वर्ड, कंडीशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल तो अपार्ट द मॉलिक्यूल इंटरेक्शन आर निग्लिजिबल, मतलब इसमें बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होता है। लो डेंसिटी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी ना के बराबर होती है, उसी को आइडियल गैस बोल सकते हैं। आई विल रिपीट, आइडियल गैस के लिए लो डेंसिटी, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो डेंसिटी, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ना के बराबर होती है, ये एक दूसरे को इंट्रैक्शन नहीं करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, और ये रैंडम डिसऑर्डर मोशन हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे देखो कैसे कर रहे भाई। चलिए नेक्स्ट बच्चों, आइडियल गैस देयर आर द नो इंटरमोलिक्यूल इंट्रैक्शन, कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। रियल गैसेस आर कंपोज द एटम मॉलिक्यूल इंट्रैक्ट। देखो रियल गैस में थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना। ओके, व्हेन एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस सो फार अपार्ट देयर आर द इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन होता है। ऐसा गैस कोई भी आइडियल गैस दुनिया में पाया नहीं जाता है, आइडियल गैस दुनिया में नहीं होता है, लेकिन उसके जैसे कुछ रहने की कोशिश करते हैं और उनका नाम है भाई। नो गैस इन यूनिवर्सली स्ट्रिक्टली फॉलो द आइडियल गैस नहीं होता, बट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब रहता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब रहता है, तब वह आइडियल गैस जैसे बिहेव करने लगते हैं, जैसे कि H2 है, O2 है, N2 है, मोनोटॉमिक इनर्ट गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैस, आइडियल गैस जैसे बिहेव करने लगते हैं। अभी कर सकते बेटा, कर सकते फैंसी, कर सकते हैं। देखो यार दुनिया में क्या है, हम लोग ऐसे डिमोटिवेट नहीं रहना चाहिए, नहीं कर सकते, बस उम्मीद रखो और काम को लोगो। कुछ अजम्पशन लिखे जो कि आपके बोर्ड की बुक में नहीं है, लेकिन मैं देता हूं धीमे धीमे, टेंशन मत लो, बस बने रहो और अच्छी तरह से समझ के लो। ठीक है, कुछ अजम्पशन मतलब मानना पड़ेगा अगर आपको ये पढ़ना है तो, भैया ये नहीं है ऐसा मत मानो, है बोल के मानना। क्या अजम्पशन से? पहला अजम्पशन, गैस कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एज गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है, छोटे 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 एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, इसी को गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल सेम एंड आइडेंटिकल होते हैं, मतलब ये गैस का मॉलिक्यूल्स यहां का और ये अलग नहीं होता। एक कंटेनर में मैंने गैस डाल दी कोई, तो O2 होगी, H2 होगी, जो भी है, तो वो आइडेंटिकल सेम होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम होते हैं बच्चों। मॉलिक्यूल्स आर रिजिड और परफेक्टली इलास्टिक होते, मतलब किसी मॉलिक्यूल ने किसी मॉलिक्यूल के ऊपर टक्कर मारे तो वो टूटता नहीं है ना फूटता है, वो वापस वैसे के वैसे ही आता है, कोई भी एनर्जी लॉस भी नहीं करता है। द गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऐसे करते ऐसे 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 इधर इधर उधर उधर घूमते रहते ऐसे 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 गैस मॉलिक्यूल रैंडम डिसऑर्डर मोशन में ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से घूमते रहते हैं। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन दे कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स वाला कंटेनर, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, वो टक्कर मारने से टूटते फूटते कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन में मूव करते यूनिफॉर्म स्पीड रही तो टू सक्सेसिव कोलिजन जब करते तब। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मीन फ्री पाथ क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान रखिए। मीन फ्री पाथ मतलब क्या होता है? एक गैस मॉलिक्यूल्स निकला यहां से, यहां पे जाके उसने टक्कर मार दी, इसको लैम्डा 1 बोलते हैं। यहां से निकल के यहां पे टक्कर मारी, इसको लैम्डा 2 बोलेंगे।
यहां से यहां टक्कर मारी लैम्डा 3 बोलेंगे, यहां से यहां टक्कर मारी लैम्डा 4 बोलेंगे, यहां से यहां लैम्डा 5 बोलेंगे, यहां से यहां लैम्डा 6 बोलेंगे, यहां से यहां लैम्डा 7 बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन तो नहीं है? सिंपल लैंग्वेज में, जो कि हमारी घर की लैंग्वेज है बच्चों, इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि सभी बच्चों को हेल्प हो सके। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, कोई मतलब ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां पे हमारे पास जो भी फार्मूले दिए हैं, है ना, मैं एक न्यू फार्मूला देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक पुरानी बुक है, उसमें जो बताया गया है उस लेवल पे मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अभी एक मिनट बच्चों, खाली बस वेट एंड वॉच। एक ही मिनट में आपको न्यू फार्मूला देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फार्मूला नहीं मिल रहा है क्या? एक ही मिनट बस। एक मिनट बच्चों, ओनली 1 मिनट वेट। संजू भाई, इस बुक में मीन फ्री पाथ था ना, कहां गया? ढूंढ के दो दो मीन फ्री पाथ। ठीक है बच्चों, मैं समझा देता हूं तब तक आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए कुछ डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, ओके, वो डेफिनेशंस और कुछ फार्मूले भी है, वो फार्मूले को भी आगे बढ़ते। द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग पार्टिकल। एवरेज डिस्टेंस कहां से निकला था? ए से। कहां तक पहुंचा? समझो, ए से बी, सी डी ई एफ जी एच, यस तक पहुंचा है बच्चों। ठीक है, ओके, यस। तो यहां पे हम लोग आपको कुछ नया एक फार्मूला दे रहा हूं कि एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो यहां पे मैं फार्मूला भी बताऊंगा आपको। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस। एवरेज कहां से गया? ए से। कहां तक? यस तक। मूविंग द पार्टिकल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन एंड व्हिच मॉडिफाई द डायरेक्शन और एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल्स। तो पहले हम लोग एवरेज कैसे निकालते वो देखने वाले। तो लैम्डा एक एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना चला? टोटल डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल नंबर, यन मतलब नंबर ऑफ कोलिजन कितने। तो हमारे पास पहले तो लैम्डा 1 इतना चला ए से बी तक, बी से सी तक लैम्डा 2, लैम्डा 3, डैश कर देते बच्चों, और लैम्डा एन तक। तो डिवाइडेड बाय एन, एक हम लोगों को एवरेज जो भी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है उसके लिए फार्मूला बताइए। एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया इसके लिए ये फार्मूला है। व्हाट इट, समझ में आ रहा है बच्चों? इसी से हम लोगों को एक डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में जो फार्मूला है इसके ऊपर डिस्कशन करता हूं, क्योंकि हमारे को डिटेल में नहीं पढ़ना। लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2πd²n/v। ये है डेंसिटी बेटा। ठीक है, तो ये है हमारे पास एवरेज डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहां पे डायमीटर का स्क्वायर। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी रो। रो इज द डेंसिटी बेटा। ये लैम्डा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के ऊपर भी डिपेंड होता है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। सिंपल सिंपल टर्म बता रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पे प्रेशर भी होता है। ठीक है, ये तो हमारे फार्मूले में दिख रहा है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी। ये एन बाय वी मतलब डेंसिटी बेटा, लेकिन वेवलेंथ, ये जो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, और प्रेशर, जो कि इसके अंदर वो टर्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि हर बच्चा इसको अच्छी तरह से, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है। मुझे लगता है कि हर बच्चा इस फार्मूले को, ये डेरिवेशंस को करने के लिए पेन और नोटबुक लेके बैठेगा। ठीक है, पेन और नोटबुक लेके बैठना है, पेन और नोटबुक लेके बैठ रहे हो, कर रहे मेरे साथ, करना है। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में 22 में
बहुत बार आ चुका है, लेकिन लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ गया वो बता रहा हूँ। हर साल इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन सब लोग अच्छे करेंगे। ठीक है बेटा, ओके चलिए। तो मुझे लगता है कि सब बच्चे करने के लिए तैयार है। बेटा मेरा मकसद क्या है, प्रेशर मैं पहले शॉर्टकट बता दूं आपको, शॉर्टकट बच्चे कितना चाहते हैं, थम करिए सर शॉर्टकट बताओ बोल के देख। तो प्रेशर क्या होता है बेटा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो मोमेंटम निकालना है तो मुझे इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा इनिशियल, और टाइम भी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो ये स्टेप को जो बच्चे फॉलो करेंगे वो 100% मैं आपको बता देता हूं कि उनको ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले चेंज इन, पहले तो मेरा जो भी पार्टिकल बच्चों या गैस मॉलिक्यूल से यहां से निकल के जा रहा है, मतलब मैं हूं, मेरे सामने वाल है, मेरा गैस मॉलिक्यूल यहां से निकल गया ऐसे, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा, इनिशियल जो मोमेंट है बेटा, मोमेंटम वो होगा बेटा मास इनटू वेलोसिटी, और अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसलिए एक्स एक्सिस लिखना है बच्चों, हमको पता है कि अलोंग द एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस तो वाई, और आपके तरफ जो है जो झेड एक्सिस है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये भी होगा एम वी एक्स। ठीक है ना, फाइनल मोमेंटम जाके रिबाउंड होके वापस आने वाला है, लेकिन मुझे इसको माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रहा, पहले था पॉजिटिव अब निगेटिव डायरेक्शन, इधर इधर डायरेक्शन। तो ये बात समझ में आना बहुत ही जरूरी है आपको, क्या करना है और क्या नहीं करना है। गॉट इट बच्चों, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो फाइनल मोमेंट, ठीक है, माइनस इनिशियल इनिशियल मोमेंट। ठीक है, तो देखते हैं फाइनल मोमेंटम है बेटा मेरे पास माइनस एम वी एक्स, और इनिशियल है माइनस एम वी एक्स। तो चेंज इन मोमेंटम है माइनस टू एम वी एक्स, समझ में आ रहा है आपको, ओके ये मोमेंटम। अब मुझे निकालना है टाइम, क्यों, क्योंकि मुझे एफ निकालना है। एफ क्या बेटा, न्यूटन्स का लॉ, चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन्स का लॉ है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। तो टाइम निकालना पड़ेगा सर, अभी टाइम की बारी आ गई। तो टाइम क्या होता है, एक्चुअली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता बेटा, या स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही बेटा, ओके। मुझे टाइम निकालना है तो डेल्टी लिखता हूं, क्योंकि मुझे डेल्टी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्टेंस कहां कौन सा है, जाने का यल, देखो यहां से यहां गया यल, और वापिस भी तो आना पड़ेगा यल, है ना। तो डिस्टेंस है यल प्लस यल टू यल, और यहां पे वेलोसिटी आएगी अलोंग द एक्स एक्सिस, मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, कोई टेंशन बच्चों। अभी हम लोग समझ में आया होगा कि फोर्स एग्जर्टेड, एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन वॉल, इस वॉल पे कितना प्रेशर, ये गैस मॉलिक्यूल जाके टक्कर मार रहा है इसे, तो कितना प्रेशर एग्जर्टेड कर रहा है, कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो मुझे लगता है देयर फोर एफ इज इक्वल टू डेल पी, जो है बेटा वो है मेरे पास, इन मैग्नेटेड फॉर्म में रख रहा हूं, ध्यान रखना, टू एम वी एक्स इन मैग्नेटेड फॉर्म है। बच्चे पूछेंगे माइनस का प्लस क्यों लिखा है, यहां पे टू एल डिवाइड बाय वी एक्स। शायद आप लोगों को सबको पता लगा होगा कि मुझे किस टर्म को खाना है, तो टू टू से मर गया बेटा, तो मुझे यहां पे आगे बढ़ना पड़ेगा कि एफ इज इक्वल टू बेटा यहां पे एम, ये वी एक्स, ये डिवाइड का वी एक्स ऊपर गया तो स्क्वेयर होगा डिवाइड बाई एल। ये मिला मुझे बेटा अभी तक का फोर्स हो रहा है, इतना एग्जर्टेड फोर्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान देना बेटा। देखो मैंने ये निकाला, ये निकाला, अभी प्रेशर की बारी आ गई, अभी प्रेशर की बारी आ गई। तो चलिए प्रेशर को भी उठा लेते अभी। तो ये फार्मूले शॉर्टकट पता होना चाहिए, कि तीन चार फार्मूले पता होने से हम लोग किसी का डेरिवेशन बना सकते हैं, यस मेरे बच्चे। चलिए अभी हम लोग प्रेशर, ना प्रेशर एक
एग्जर्टेड ऑन वाल, वाल के ऊपर कितना हो रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाय सराउंडेड एरिया, है ना, एवरेज फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज फोर्स एग्जर्टेड, ठीक है ना, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, डिवाइड बाय जो एरिया हमारा सराउंडेड एरिया है ना, एरिया, तो ये होगा एवरेज फोर्स बेटा एफ बाय ए, तो प्रेशर फोर्स से मेरे पास एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये है एल पहला और एरिया मतलब एल स्क्वायर, क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं एम बाय वी, कितने लोगों को समझा, एम बाय वी एल क्यूब हो जाएगा ना, ये तो ये है एल मल्टीप्लाई एल स्क्वायर मतलब एल क्यूब, ये है वॉल्यूम, क्या आप समझ पा रहे हो, ओके ठीक है, चलिए अब बाकी है वी एक्स, लेकिन ये जो पार्टिकल वी एक्स वाला है हो सकता है बच्चों फर्स्ट पार्टिकल सेकंड, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक ही है क्या, नहीं ऐसे लाखों पार्टिकल्स है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर डैश 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 लिख सकता हूं, पता नहीं है इसलिए लिख सकते हैं ऐसे, या लिख सकते वी एक्स थ्री का स्क्वायर डैश 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 डैश, बात समझ में आ रही बच्चों, लेकिन इस टर्म का मतलब क्या है, अगर हम लोगों को यहां पे एवरेज निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर और इसका एवरेज, एवरेज मतलब ऊपर लिखना है हॉरिजॉन्टल लाइन लिखनी है ऐसे, ठीक है, ये वी एक्स वन का स्क्वायर वी एक्स टू का स्क्वायर वी एक्स थ्री का स्क्वायर स्क्वायर है, पहले एवरेज मत निकालो स्क्वायर निकालो बच्चों, है ना, ये है स्क्वायर डैश 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 ऐसे यंथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यंथ, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, तो आप जानते होगे बेटा ये यन वी एवरेज स्क्वायर ये बनेगा वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर वी एक्स थ्री स्क्वायर, क्या समझ पा रहे हो, ये वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों इस इक्वेशन वन में, वैल्यू पुटअप कर रहा हो ध्यान देना बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू यहां पे एम बाय वी, ठीक है, और ये एन एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, ध्यान रखना ये वी इज द वैल्यू है बेटा, और ये एवरेज जिसका वो वेलोसिटी है, वो कौन है बेटा वेलोसिटी, क्या इक्वेशन यहां तक समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, उम्मीद कर रहा हूं, ये जो एवरेज है बच्चों अगर हम लोग ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज का एवरेज निकालना चाहते हैं, ध्यान रखना यहां पे हमारे पास एवरेज ही निकालना है, एवरेज तो हमारे पास क्या मिला, P इज इक्वल टू यहां पे मास वेलोसिटी और ये n v एवरेज स्क्वायर है, तो अगर ये एवरेज स्क्वायर की वैल्यू अगर रखेंगे तो हमारे पास v स्क्वायर का वैल्यू मिला है वी एक्स वन स्क्वायर, हो सकता है अलोंग द एक्स एक्सिस पार्टिकल मुकरे, हो सकता है अलोंग द वाई एक्सिस हो, है ना, ये वन नहीं होगा अभी, है ना, ये वन नहीं बेटा, ये एवरेज हो सकता है अलोंग द एक्स एक्सिस का, अलोंग द वाई एक्सिस का भी हो सकता है, अलोंग द जेड एक्सिस का भी स्क्वायर हो सकता है, कोई टेंशन है, कोई भी पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कहीं पे भी मूव हो सकता है, अगर हमने सिमेट्रिक बट सिमेट्रिक माना है, सिमेट्री की आइडेंटिकल है ना, सिमेट्री माना है तो कैसे कर सकते हो, तो देखते हैं बच्चों यहां पे वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर मान के इज इक्वल टू वी जेड स्क्वायर मान के अगर करोगे तो वन बाय थ्री होगा एवरेज स्क्वायर, क्योंकि अलग द एक्स वाई जेड एक्सिस है तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब वहां पे इस इक्वेशन पे ये वैल्यू एवरेज की पुटअप कर सकता हूं, तो पी ये ओनली एक्स एक्सिस के लिए था ऐसा, अभी तीनों एक्सिस के लिए निकाल रहा हूं वाई, तो देखते हैं ये वी एक्स की वी वाई वी जेड कोई भी रहा तो ये वन बाय थ्री, ये वन बाय थ्री लिखा मैंने यहां पे मास अपॉन वॉल्यूम, ओके सर, और यहां पे ये एन वी बार स्क्वायर ऐसा रख सकता हूं बच्चों, यस और नो, यही मेरे पास फार्मूला वन बाय थ्री एम बाय वी एन वी स्क्वायर, यही मेरे पास फार्मूला मिला है,
या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी बुक्स में ऐसा लिखा इसको 1/3, यहाँ पे n बाई वी और ये m v एवरेज स्क्वायर, ये है बेटा प्रेशर। कुछ बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से लिखना है बच्चों, अगर समझ में आया तो एक बार थम करना है आपको ताकि मुझे आगे बढ़ने में हेल्प हो जाए। शायद आपको बता दूं तो p इज इक्वल टू 1/3, यहां n m अपॉन v और ये v स्क्वायर लिखते, इसी को कहते बेटा रो, रो करते रो, ये रो की वैल्यू क्यों, क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, ये कैपिटल m बनता है, ये भी मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो 1/3 रो वी स्क्वायर, या इसी को 1/3 रो सी स्क्वायर भी लिखते हैं, रो सी, सी इज द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। यस बच्चों, ओके यस लिखते करेक्ट है बेटा, ओंकार काकड़ ने बराबर बोला है, और कौन कर रिपीट करना है, चलो रिपीट कर देता हूं, जो भी बच्चे समय पढ़ना चाहते हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले फटाफट आगे बढ़ना है, लेकिन देखो बच्चों एक मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल यहां से निकला तो इसके पास इनिशियल मोमेंटम होगा, मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, जाके वापिस आ रहा है, वापिस आना मास इनटू वेलोसिटी बट निगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ बच्चों, मोमेंटम निकालना है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम है माइनस एम वी एक्स, और ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है 2mvx, मुझे वेलोसिटी चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम ये आ गया इधर, डिस्टेंस है बेटा जाने का l, वापस आने का l, तो 2l हो गया, और ये vx इधर आ गया बेटा, तो फोर्स निकालना है मुझे, फोर्स होता है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम, डेल पी अपॉन डेल टी, तो डेल पी क्या है बेटा मेरे पास माइनस के जगह पे प्लस क्यू, मैग्नेटिक फॉर्म में 2mvx, और डेल टी क्या है 2l बाय vx, 2 कैंसिल, ये vx ऊपर गया तो mvx स्क्वायर हो गया, mvx स्क्वायर डिवाइड बाय l, ठीक है। प्रेशर एग्जर्टेड ऑन वॉल, तो प्रेशर का फार्मूला एवरेज फोर्स डिवाइड बाय साइडेड एरिया कितना है, तो f बाय a है, तो फोर्स कितना है mvx स्क्वायर बाय l, और एरिया का l स्क्वायर, तो ये mv हो गया बेटा, ये अलोंग द x एक्सिस है, लेकिन फर्स्ट पार्टिकल सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा भी हो सकता है, तो इसका भी एवरेज निकाला, इसका भी मैंने क्या किया बेटा एवरेज निकाला, तो एवरेज निकालते हुए v स्क्वायर इसका एवरेज है, ये n इधर आ गया तो ये वैल्यू पुट अप किया बेटा, ये मिला मुझे वही इक्वेशन रिपीट लिखा, लेकिन अलोंग द x y z एक्सिस हो सकता है, तो सिमेट्रिक माने तो 1/3 होगा, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल x एक्सिस, कुछ y, कुछ z, तीन एक्सिस से जा सकते हैं, तो इसलिए 1/3 आ गया ये, तो बेटा इसी ऐसे ही भी फार्मूला लिख सकते हो बेटा, इसी का यूज करते हुए हम लोगों का RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, कौन सी निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। बच्चों समझ में आया नहीं आया, लाइक करा ऑल माय डियर्स, यस स्वप्नी शिंदे, देखो यार थम ये गेम करते चलो ताकि पता तो लगने दो, कुछ बच्चे खाली बस कॉमेंट कर रहे भाई तूने क्या किया, टाइम पास कर रहे, अब लोग पढ़ने आ गए तो पढ़ने जैसा मजा भी आना चाहिए, उसके लिए बिना काम के कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोगों को अगर समझ में आया, इंडियन गेमिंग ने देखो थम किया है, थैंक यू सो मच पंकज, वेलकम बेटा, समझा बहुत सर, आप संभाजी नगर में कहाँ रहते हो, मैं रहता हूँ मीडोज होटल के पास, ठीक है ना, चलिए फटाफट थोड़ा सा थम गेम आया तो पता लगता है कि बच्चों को क्या समझ रहा है, क्या रे प्रूव करना है पता, ठीक है। हमारे पास प्रेशर का एक इक्वेशन है, अभी अभी गर्मा गर्म 1/3 n बाय वी और ये m v एवरेज स्क्वायर, कोई टेंशन है, समझ में आ गया बेटा, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लाइक भी उतने आना चाहिए, लाइक भी करो वीडियो को, ठीक है ना। चलिए ये फार्मूला मुझे लगता है पर्सनली किसी को ज्यादा समझाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, एवरेज स्क्वायर यहां लिखता हूं बेटा, तो ये इधर आ गए तो 3PV, समझे 3PV, यहां पे n स्मॉल m, कोई टेंशन है, मतलब ये v स्क्वायर है बेटा और ये 3PV बाय n m, कोई टेंशन है। मुझे मेरा मकसद क्या है, मेरे पास स्पीड है, हाँ सर स्पीड है देखो, फिर स्क्वायर है क्या उसका, हाँ सर स्क्वायर है देखो देखो स्पीड उल्टा जाते ऐसे जाते, स्पीड वी लिखा था, स्क्वायर मीन मतलब बेटा ये एरो ऊपर एवरेज है मीन मतलब, अब रूट करो
तो रूट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई विल रिपीट, जिन बच्चों ने ना सुना हो, सुनना जरूरी है। क्या जरूरी है? देखते स्पीड बोला है तो स्पीड लिखो सर, स्क्वेयर बोला है स्क्वेयर लिखो सर, मीन का मतलब ये ऊपर वाली काड़ी, रूट का मतलब ये होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है बच्चों, ये हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ डेटा है, बस अब उसका करना चालू करो। चलिए फॉलो करें, स्पीड वी लिखा, स्क्वायर है, मीन है, अब बस रूट डालिए, यहां पे भी रूट, तो यहां दोनों साइड से रूट डालना पड़ता है बच्चे। इसी को वी आर एम एस कहते हैं। वी मतलब स्पीड, आर मतलब है ना, आर रूट। अरे वन मिनट, एक मिनट बच्चों, क्या हुआ देखता हूं। ओके क्लियर है अभी? यस, समझ में आ रहा है? चलिए तो इसी को वी आर एम एस कहते हैं बेटा। तो ये मिला है मुझे 3PV/NM, लेकिन याद रखो PV होता है बेटा NRT। ये है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ जी ओके, बस क्लियर है अभी? अभी क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है, डोंट वरी। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता बेटा आईएमपी में लिखना है आपको, ये आईएमपी में लिखना है। अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, यस अभी क्लियर है बच्चों, आप टेंशन मत लेना, क्लियर है तो क्लियर भी लिखो। चलिए ओके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो वी आर एम एस यहां पे 3, ये एनआरटी अपॉन एन, और ये एम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एन होता बेटा एन बाय एन ए, पहले ही लिखा था एन इज इक्वल टू है ना मास ऑफ गैस, ऐसा लिखा था मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो इसका एक होता है एम अपॉन एम नॉट लिखो, या एन अपॉन एन ए लिखा था, पहले ही बताया था। यस बताया था मैंने। चलिए तो पुट अप करते, वी आर एम एस इज इक्वल टू बेटा 3, एन की वैल्यू बेटा एन अपॉन एन ए, ठीक है आर टी ओके, और यहां पे है यन स्मॉल यम। मुझे लगता है कि यन से यन को मरवा दो तो शायद वी आर एम एस इज इक्वल टू 3RT अपॉन यन ए एम बेटा। इसी को मोलर मास भी कहते हैं, यन ए अपॉन मल्टीप्लाई यम इज इक्वल टू मोलर मास। तो वी आर एम एस का फार्मूला मुझे 3RT अपॉन एम नॉट मिल रहा है। वर्ड इट बच्चों, समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर बच्चों हमारे पास नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो बच्चों, एट 300 केल्विन टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर ही होता 300, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तब बच्चों नाइट्रोजन की जो स्पीड दी वाली है वो है 517। इसकी स्पीड गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस जो स्पीड है बेटा 517 मीटर पर सेकंड होगी, ध्यान रखना 517। वो पांच भले आपको लग रहे होंगे, ठीक है ना, 6 लग रहे क्या, 5 कर देता हूं। ठीक है, तो ये है 517 VRMS किसकी,
अगर एट रूम टेम्परेचर ही बोल सकते हो, रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की आरएमएस स्पीड है 517, कैलकुलेट की गई है, आपको करने की जरूरत नहीं है, एम नॉट मोलर मास डाला होगा उसका। और ऑक्सीजन की जो वी आरएमएस स्पीड है बेटा वो है मेरे पास 483 आई थिंक, है ना, बराबर है, करेक्ट है बच्चों, ये इतनी स्पीड है हमारी। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। यही स्पीड अगर हमारी साउंड की स्पीड रही थी, साउंड की मैं जो बात कर रहा हूं वो साउंड नाम का चैप्टर था, वहां पे इसके लिए साउंड के स्पीड के लिए फार्मूला था गामा आर टी डिवाइड बाई एम नॉट, सेम फार्मूला बेटा। ये वी आर एम एस फॉर गैस मॉलिक्यूल, फॉर गैस मॉलिक्यूल के लिए है बेटा, और ये साउंड की स्पीड है, साउंड स्पीड का फार्मूला, ध्यान रखना, ये दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट बेसिक द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन द एक्सपेरिमेंट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। चलिए देखता हूं बेटा, है ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों को ये फार्मूला थोड़ा सा याद होना चाहिए, बाकी कुछ ही नहीं है। कौन सा प्रेशर का, इसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रेशर का फार्मूला बताओ, कॉमेंट में लिखो 1/3 एन बाय वी, ये स्मॉल एम और ये वी स्क्वायर। मुझे लगता है कि ये फार्मूला हर किसी बच्चों को पता होना चाहिए, प्रेशर का 1/3 एन बाय वी एम और एवरेज है बेटा ये वेलोसिटी का। चलिए तो मुझे लगता है ये पी वी ऐसा लिख सकता हूं 1/3 ये एन और ये एम वी बार स्क्वायर है, ठीक है। मैं मेरे फायदे के लिए क्या कर रहा हूं, ध्यान रखना बच्चा, 2/3 लिखता हूं ये एन और इस ब्रैकेट में 1/2 एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है बेटा, ये 2 को अगर कैंसिल करूं तो इक्वेशन सेम लग दिख रहा है आपको। ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिखाना है। किसमें दिखाना मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिखाना है, बाकी कुछ नहीं। मेरा मकसद क्या है, काइनेटिक एनर्जी दिखानी है ना, तो लग रहा है कि नहीं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला दिखाना है, बाकी कुछ नहीं। एवरेज टोटल एनर्जी जो है, एवरेज टोटल एनर्जी का फार्मूला दिखाना है, एवरेज ऐसा लिख सकता हूं मैं यहां पे, एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी। चलिए दिखा देता हूं, इसके लिए ई लिखता हूं बेटा, एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए, 1/2 एम वी स्क्वायर या एवरेज के लिए, तो यहां रख दो तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 नहीं, एन लिखने की जरूरत नहीं अभी, अरे एन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे ई दिख रहा है, ई सही है। चलिए पकड़ते हैं अगला, मुझे एनर्जी निकालनी है बेटा, तो ये 3/2 पी वी एक फार्मूला बनेगा, यस 3/2 पी वी, यही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है बेटा मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ओके। लेकिन आप लोगों को अगर शायद पता ना हो तो पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी एक फार्मूला होता है, पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, इसके पहले मैंने बताया था बेटा, तो ई इज इक्वल टू 3/2 एन के बी टी, एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 एन के बी टी, ठीक है ना। अगर आपका एवरेज यहां पे क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी, ऑब्टेन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, मतलब ये निकलना पड़ेगा एवरेज, तो 3/2 यहां पे के बी टी, ध्यान रखना बेटा ये काम में आने वाली चीज है, बाद में जब मोनोएटॉमिक डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम लोग तब ये फार्मूला बहुत काम आने वाला है, तब याद रखना है, ठीक है, ओके। चलिए तो यही है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं, एवरेज दिखाना है, क्या दिखाना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस दिखाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस हो सकती है, अलोंग द वाई एक्सिस के लिए, अलोंग द जेड एक्सिस के लिए, बात समझ में आ रही है, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को इसका एवरेज निकालना है, और एवरेज का सिंबल ये है, एवरेज का सिंबल क्या बेटा ये है, मतलब एवरेज अगर हम लोगों को दिखाना है तो इसी को ऐसे दिखाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये एवरेज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, यहां पे एवरेज हाफ
एम वी वाई स्क्वायर, यहां पे हाफ एवरेज एम वी जेड स्क्वायर, एवरेज दिखा है बाकी कुछ नहीं। और हम लोगों को अगर ये पता हो कि यहां पे सबका मतलब एक आइडेंटिकल या सिमेट्रिक हो तब कैसे लिख सकते, तो हमारे पास एवरेज का ही फार्मूला लिखते हुए हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू वन बाय टू के बी टी, ये फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। ओके, वन बाय टू के बी टी, ठीक है ना, यही फार्मूला लिख सकते हैं। मतलब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, अगर तीनों एक्सिस से लिखना है तो थ्री बाई टू के बी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं, थ्री बाई टू के बी टी, टी इज द टेम्परेचर, के इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब अगर मेरा सवाल है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई एक चीज है जो कि मूव कर रही है, समझो फ्री टू मूव पॉइंट वन टू अनदर, तो थ्री डायमेंशन जा सकती है, ऐसे जा रही कोई बॉडी। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो चीज है बच्चों हवा में पतंग उड़ा रहा हूं, पतंग उड़ा रहा हूं, तो थ्री डायमेंशन से जा सकता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीन होंगे, तीन। अगर इस पर मैं कोई लाइन खींचू, ऐसे लाइन खींच रहा हूं, समझो एक मान लो कि ये मेरी लाइन इस बोर्ड पर खींची मैंने, मैंने पूछा भैया कितने कोऑर्डिनेशन, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स एक्सिस चल रहा है कुछ और कुछ इधर ऊपर भी जा रहा है ना, तो वह एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट बोला, बोला कि नहीं बोला आपने। और कोई लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो आप फिक्स करोगे सर ये एक्स एक्सिस जाएगी, आप समझ रहे हो ना, मैंने पतंग को उड़ाया, पतंग पतंग को उड़ाया, तो आपने बोला सर थ्री एक्सिस से मूव कर रहा है ये, मैंने इस बोर्ड पे एक लाइन खींची थी तो आपने बोला सर एक्स वाई एक्सिस है, और कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है तब एक ही कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे आप बच्चे, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, जैसे पहले तीन थे, बाद में दो थे, बाद में एक था, जो ये एक है ये दो है, है ना। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक सबके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले मोनोएटॉमिक के लिए देखो, सिंगल एक ही लाइन से ये मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको, एक ही मोनोएटॉमिक एक ही लाइन में। यहां पर डायटॉमिक देख सकते, डायटॉमिक में ध्यान रखना है बच्चों, डाय मतलब डंबेल्स, डाय मतलब डंबेल जैसा, डंबेल्स डंबेल्स उठाते होंगे आप, तो डंबेल्स ये यहां पे एक तो एक्स वाई जेड एक्सिस जा सकता है, एक्स वाई जेड एक्सिस जा सकता है, डंबेल्स क्या कर सकता है बेटा, एक्स वाई जेड एक्सिस जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहां पे जब भी डंबेल्स एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हो गए, कितने एक्सिस हो गए यहां पे, एक्स वाई जेड एक्सिस, ध्यान से देखना। और रोटेशन दो ही एक्सिस से कर सकता है, सर क्यों मैं बताता हूं, आप टेंशन मत लो ना, मेरे पास कोई पेन लेता हूं और पेन से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी करता हूं, एक मिनट रुक जाना, ओ जाने जाना। चलिए मैं आप लोगों को समझाने की रोटेशन की कोशिश कर रहा हूं, यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, टेंशन, ये ब्लू पेन है मेरा आपके लिए बच्चों, क्या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स अगर मैं ऐसे ही घुमाऊं अपनी जगह पे, जिस एक्सिस से या जिस मास से एक्सिस पास होता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होता है, पता होना चाहिए। तो ये देखो एक्स एक्सिस को नहीं हो रहे, लेकिन अलोंग द एक्सिस देखो मूव कर सकता, अलोंग द एक्सिस ऐसा ऐसा या ऐसा कर रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है बेटा, या ऐसा ये जो कर रहा है ना, ये ऐसा गोल घूम रहा है, इस एक्सिस को गोल घूमेगा, घूम रहा है, ओके, नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा मुझे, ऐसा ऐसा लेना पड़ेगा, बोर्ड पे लेना है तो इस तरीके से, देखो भैया ये अलोंग द ये वाई एक्सिस घूम रहा है, ठीक है, ओके, ये एक्सिस को भी रोटेट करेगा, लेकिन ये एक्सिस से रोटेट करने से उसके एक्सिस पास हो सकता है,
इसीलिए बच्चों वहां पे डायटॉमिक में मैं थोड़ा सा यहां पे लिख के देना चाहता हूं, जो एनर्जी होती काइनेटिक या अलोंग द एक्स एक्सिस से, ये ट्रांसलेशन मोशन बेटा, कौन सी है ट्रांसलेशन, यहां पे 1/2 एम वी स्क्वायर वाई, यहां पे 1/2 एम वी स्क्वायर जेड, और रोटेशन होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब अलोंग द उन्होंने y और z एक्सिस लिखा है, कोई टेंशन नहीं है ना y, ठीक है, और 1/2 i z ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अलोंग द यहां पे y एक्सिस पे भी और z एक्सिस पे कर सकते हैं, इसको भी z लिख सकते हैं। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। मतलब बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी टोटल, वो ई ट्रांसलेशन को ऐड किया था मैंने, ट्रांसलेशन, ठीक है, प्लस ई रोटेशन भी होता है, ई रोटेशनल भी होता है। आगे चल के बच्चों हम लोग वाइब्रेशन भी करने वाले, ये रिजिड है नॉन रिजिड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, रिजिड है या नॉन रिजिड है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना हमारे पास आगे चल के ई वाइब्रेशन भी आएगा। ई क्या आएगा बेटा, वाइब्रेशन आएगा, वाइब्रेशन मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका मॉलिक्यूल्स पहले एक्स वाई जेड एक्सिस द्वारा डंबल्स है, तो बेटा रोटेशन कितने हो रहे, ट्रांसलेशन कितने और वाइब्रेशनल कितने, वाइब्रेशनल ये भी इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। वाइब्रेशन मोशन देखो, ये वाइब्रेशन मोशन होता है, ये वाइब्रेशन मोशन वाइब्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, वाइब्रेट कर रहा है वाइब्रेशन मोशन से ये, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो सिंपल सिंपल पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं, पहले रिलेशन देखते हैं, मेयर्स रिलेशन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पॉलीएटॉमिक ये बाद में देखना पड़ेगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आप लोगों को डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहा तो क्या क्या करता है क्या क्या नहीं है ये आगे देखना पड़ेगा, पहले मेयर्स रिलेशन स्पेसिफिकेट कैपेसिटी, यस मेयर्स रिलेशंस क्या होता है ये देखेंगे, बाद में उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पहले मैंने एक सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर का यहां पे, ठीक है, ये वैल्यू में ये फिक्स है बच्चों, मैंने हीट दे दी, इसको DQ1 बोलते हैं बेटा, और इंटरनल एनर्जी चेंज जो हो रही है ये, क्योंकि हीट मिलेगी तो थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है बेटा, आप जितनी हीट दोगे डेल क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमने DE बोला यहां पे, और यहां पे वर्क डन कितना हो रहा है, ये एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद है बच्चों। वैसे मैंने हीट दी, हमारा जो पिस्टन है अपने ही जगह पे है, वर्क बिल्कुल नहीं हुआ बेटा, चेंज इन वैल्यूम बिल्कुल नहीं है, डेल वी इज इक्वल टू जीरो मतलब वर्क इज जीरो, कोई टेंशन है। तब बच्चों मैंने DQ1 लिखा तो ये एनर्जी DE बाकी है, DU मतलब DE लिखा, EE लिखा, U के जगह पे E लिखा हमारे बुक्स में। तो बच्चों यहां पे आपका कांस्टेंट वैल्यू में स्पेसिफिक उसको CV बोलते हैं, और टेम्परेचर चेंज है बेटा ΔT, टेम्परेचर चेंज होने से मेरा कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, ये फार्मूला लिख सकता हूं इक्वेशन 1, कोई टेंशन है, ये फिगर है इसके लिए, फिगर देखो ए, अब फिगर बी में क्या होगा देखते हैं। सेम टू सेम सिलेंडर, सेम कंडीशन बच्चों, बस अभी ये जो पिस्टन से ये चला गया ऊपर, यहां से यहां, यहां की जो हीट है मुझे मानना पड़ेगी इसके लिए DQ2, क्योंकि अलग मानना पड़ेगा, यहां एनर्जी तो चेंज होगी, इंटरमोलिक्यूल मतलब ये गैस मॉलिक्यूल हीट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद बच्चों इसका वैल्यूम भी चेंज हो रहा है, आप समझ रहे हो। लेकिन यहां कांस्टेंट प्रेशर बेटा ΔPV इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट प्रेशर है इस कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, हीट दी, हीट देने से ये जो पिस्टन होता है मासलेस होता है, ध्यान रखना फ्रिक्शनलेस होता है, इजीली मूवेबल हो सकता है, ओके। तो देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है, DQ2 यहां पे DE प्लस DW यहां पे हम लोग CP इंटू ΔT लिख सकते हैं। CP कहां से है, कांस्टेंट प्रेशर बच्चा, कांस्टेंट प्रेशर यहां पे, और ΔT इज द टेम्परेचर चेंज हुआ,
चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो हम लोग वैल्यू पुटअप करने वाले हैं और चेंज इन वर्क डन का फार्मूला होता है पी इंटू डेल वी बेटा। जिनको पता नहीं है थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है इसमें, तो वैल्यू इस इक्वेशन को टू बोलते हैं, पुटअप कर रहा हूं इसकी वैल्यू डालता बेटा देखो सीपी इंटू डेल टी। डी की वैल्यू बेटा इक्वल टू इसकी सीवी इंटू डेल टी और वर्क का फॉर्मूला है पी इंटू डेल वी। कोई टेंशन, मुझे लगता है इसको इधर लाते सीपी इंटू डेल टी, ये इधर आने से माइनस होगा बेटा और पी इंटू डेल वी, तो ये सीपी माइनस सीवी इंटू डेल टी और पीवी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा यहां पे इसको ऐसे ही रख के एक स्टेप बढ़ाऊंगा, बाकी कुछ नहीं, पी इंटू डेल वी होगा। बट सबको पता है पीवी इज इक्वल टू आर टी, नंबर ऑफ मोल एन इज इक्वल टू वन लिखा है मान के चलो, ठीक है ना। तो कॉमेंट करोगे सर आपने तो ये कैसे बता दिया, ये तो ऐसा था। नहीं भैया ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पे P इंटू डेल वी बोल सकते, इसको डेल वी लिखो सर, हमारे बुक्स में डेल वी लिख रहे हैं हम लोग, तो डेल वी, तो इसको R इंटू डेल टी लिखना पड़ेगा, डेल टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन थ्री में पुट अप कर रहा हूं, पुट इक्वेशन थ्री, पुट इक्वेशन थ्री, तो डालता हूं बच्चों देखते हैं सीपी माइनस सीवी इंटू डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। डेल वी के जगह पे हम लोगों को डेल ही लिखो, यहां पे डेल डी ही लिखो डी, क्योंकि हमारे बुक्स में लिखा है वैसे, इसलिए बाकी कोई मकसद नहीं है, सेम है, सब चीजें सेम ही हैं, एक ही मतलब होगा, ठीक है, ओके। चलिए तो हम लोग डाल रहे बेटा यहां पे आर इंटू डेल टी, तो ये डेल टी कैंसिल बच्चों, तो आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। इसी को बच्चों हम लोग मेयर्स रिलेशन कहते हैं, इसी को हम लोग मेयर्स रिलेशन कहते हैं, सीपी माइनस सीवी। गॉट इट बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, सीपी इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीवी इज स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू में बेटा, ओके। ये मेयर्स रिलेशन मोस्ट एंड मोस्ट आईएमपी को करना है बच्चों, कोई भी हालत में हर हर बच्चा, घर घर का बच्चा और हर हर बच्चा हमारा करेगा। किसी ने बोला कि सर रिपीट बोलो, बेटा देखो दो फिगर है, ये दो फिगर का खेल है, तो फिगर बी क्या बोल, ए क्या बोलते, देखो मैंने हीट दे दी लेकिन अपना प्रेशर जो बेटा यहां पे, सॉरी पहला हीट दे दी, हीट देने से इंटरमोलिकुल गैस जो है इस सिलेंडर के अंदर उसने हीट ऑब्जर्व की और अंदर ही रैंडम मोशन बढ़ गया उसका, इधर 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 ऐसा, समझे, लेकिन वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं है। तब बेटा फार्मूला, एक्चुअल में फार्मूला ये है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, हीट देने से इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क होता है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहां क्या होने जा रहा है, तो यहां पर इसलिए डी क्यू वन इंटरनल एनर्जी को डी ई बोला है और यह है CV into delta T. Why? Because the constant volume, specific it at a constant volume, और delta T is the temperature है। बात समझ में आ रही है? पहली डायग्राम पहला इक्वेशन, पहली डायग्राम पहला इक्वेशन, ध्यान से देखना बच्चों। दूसरी बार मैंने क्या किया, जब हीट दी डी क्यू टू हीट दे दी, तब यह गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ी और इसका वॉल्यूम भी बढ़ा बेटा, इसका क्या बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो ध्यान रखना यहां पे DE और यहां वर्क डन हो गया बेटा, लेकिन यहां पे कांस्टेंट प्रेशर था, क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था। तो देखते बेटा कांस्टेंट प्रेशर होने के कारण यहां पे DQ2 इज इक्वल टू D प्लस DW है ना, तो ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और टेंपरेचर तो चेंज हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में DQ2 की वैल्यू डाली CP इंटू डेल्टी, DE की वैल्यू है CV इंटू डेल्टी और वर्क होता है पी इंटू डीवी। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को इधर ला लिया बेटा, सीपी डेल्टी ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू पी इंटू डीवी रहा, कॉमन निकाला, लेकिन पीवी डीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है,
कौन सी गैस इक्वेशन है? आइडियल, पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो पीडीवी को ही आर डेल्टी लिख सकते हैं, बस रख दिया बेटा, डेल्टी डेल्टी का आंसर, मेरिट्स रिलेशन तैयार। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ गया बेटा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट मोनोएटॉमिक गैस के लिए पढ़ते हैं। मोनोएटॉमिक गैस क्या होता है? तो आप लोगों के पास ऑलरेडी फार्मूला एक तैयार है, 3/2 kBT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो भी फार्मूला था, या एवरेज एनर्जी पर आइटम, या टोटल इंटरनल एनर्जी जो भी था फार्मूला, शायद सबको याद होगा, है ना? मुझे लगता है कि सबको याद है। एनर्जी का फार्मूला था, बताओ, E इज इक्वल टू 3/2 NaKBT, ठीक है, NaKBT, ठीक है, ये फार्मूला बेटा। शायद आपको कुछ फार्मूले याद आते होंगे, मैंने अभी अभी लिखा है कि DE इज इक्वल टू क्या लिखा होगा, है ना, इंटरनल एनर्जी सीपी इंटू डेल्टी, है ना, सीवी, देखो दोबारा लिखता हूं, सीवी इंटू डेल्टी। याद आ रहा है बच्चों? क्या ये फॉर्मूला सबको याद आ रहा है? मुझे बता, सीवी निकालना है तो मुझे ऐसा निकालना पड़ेगा डीई बाई डीएलटी, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हो? डीई बाई डीटी, ये समझ पा रहे हो आप? बस यही करना है बच्चों, यही करेंगे। तो मुझे क्या फील आ रहा है कि एक काम कर देते हैं सर, सीवी की वैल्यू मुझे पता है, सीवी की वैल्यू है डी बाई डी टी, चलिए तो ई की वैल्यू तो पता है बेटा, डी बाई डी टी, ई की वैल्यू मेरे पास 3/2 NaKBT, क्या डेरिवेटिव आता है बच्चों आपको? तो सीवी इज इक्वल टू 3/2 TT, ये हो जाएगा NaKB। लेकिन सभी को पता था कि R होता बेटा NaKB होता है, तो सीवी की वैल्यू मुझे 3/2 R मिल रही है, कोई टेंशन है? ये समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन ये पता होना चाहिए, अभी जो लिखा था मैंने पहले, सिलेंडर अपना वैल्यू जब कांस्टेंट रखता है तब की वैल्यू बता रहा हूं मैं। यस बच्चों, DE इज इक्वल टू सीवी इंटू डेल्टी, तो सीवी निकालना है तो DE बाई DT, तो मैंने क्या किया, यहां पे सीवी की वैल्यू DE बाई DT, E की वैल्यू ऑलरेडी पता है, पुटअप किया मैंने 3/2 NaKBT। यस बच्चों, क्या आपका भी आंसर यही मिल रहा है मेरे बच्चे? चलिए अब मुझे सीपी निकालना है, तो क्योंकि गामा निकालना मेरा टारगेट बेटा, और गामा होता है सीपी बाय सीवी, ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो सीपी यहां पे सीवी प्लस आर, तो सीपी सीवी क्या बेटा 3/2 R, ये आर। कितने बच्चे हैं कि 3/2 डेढ़ होता, डेढ़ यहां पे कुछ नहीं, मतलब वो डेढ़ प्लस वन कितना होता भाई, ढाई, ढाई कैसे लिखते हैं, 5/2 R, क्या आप समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो? अभी इसके बाद ये ऐसा मत करना, डायरेक्ट बोलना बेटा 3/2 आ गया, 1 मिलाओ, 1 मिलने से किस्सा। तो चलिए गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी, सीपी बेटा 5/2 R डिवाइडेड बाय 3/2 R, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते बेटा, तो ये आर आर कैंसल, 2 कैंसल, तो गामा इज इक्वल टू 5/3, ये मुझे गामा का रेशियो मिला फॉर मोनो एटॉमिक, फॉर मोनो एटॉमिक, क्या आ रहा है बच्चों, फॉर मोनो एटॉमिक के लिए। ओके, फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए है गामा का रेशियो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायटॉमिक में अभी रिजिड और नॉन रिजिड का मामला होता है, तो वाइब्रेशन कब आते हैं, तो रिजिड रहा तो देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। हमारे पास एग्जांपल है O2 है बेटा, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं, O2 N2CO या Cl मॉलिक्यूल्स, ये थोड़े से पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। चलिए तो हमारे पास यहां पे ट्रांसलेशन और रोटेशन कितने होते हैं, तो डायटॉमिक में डंबेल्स का एग्जांपल दिया था, याद है बेटा, डंबेल्स दिया था, डंबेल्स में 3 एक्सिस से जा सकता है, ये होता है एक्स वाई जेड, है ना, और ये जो एक्सिस है एक एक्सिस से नहीं आता है, तो इसलिए जो एनर्जी बेटा 3/2
एन ए के बी टी और ये टू बाय टू एन ए के बी टी। कितने लोगों को समझा बेटा ये जो थ्री है ना, थ्री मतलब वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशन मोशन तीन हो रहे और रोटेशन दो होते हैं डायटोमिक, डम्बेल्स का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। तो इसका क्या आएगा बेटा, बेस से है तो न्यूमरेटर के एडिशन फाइव थ्री प्लस टू बेस इक्वल एन ए के बी टी, सेम टू सेम बेटा सीवी इज इक्वल टू डीई बाई डी टी, यहां पे डी बाई डी टी और यहां फाइव बाई टू है एन ए के बी टी, समझ में आ रहा है। तो सीवी बेटा इज इक्वल टू यहां पे फाइव बाई टू, ओके सर, एन ए के टी का पता है ना, एक पावर का मतलब जीरो तो टी रेस टू जीरो वन होता है, पता है तो इसलिए नहीं लिखते आप लोग, ठीक है ना। अभी इसी को सीवी इज इक्वल टू फाइव बाई टू आर लिखूंगा मैं, करेक्ट है बच्चों। अभी सीपी क्या मिलेगा तो सेवन बाय टू आर। कितने लोगों को समझा, सीपी डायरेक्ट लिखा है मैंने, मैं रिलेशन इक्वेशन इस्तेमाल करके सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर था, मुझे सीपी निकालना था तो सीवी प्लस आर, तो सीवी की वैल्यू पुटअप करनी थी हम लोगों को, चलेगा मेरे बच्चे, ओके चलेगा। चलिए तो गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, तो सीपी है बेटा सेवन बाय टू आर और यहां पे फाइव बाय टू आर, चलेगा चलो। तो आर आर से कैंसल, टू 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 से कैंसल, तो गामा मुझे मिल रहा है बेटा, देयर फॉर गामा इज इक्वल टू सेवन बाय फाइव। ये नॉन रिजिड रिजिड पता होना चाहिए थोड़ा सा, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों को आगे भी देखना है डायटोमिक गैस कंटेनिंग नॉन रिजिड मॉलिक्यूल रहा तब क्या होता है और क्या नहीं, रिजिड नॉन रिजिड का मामला है, बाकी कुछ नहीं है। यहां पे वाइब्रेशन होने वाला बच्चों, यहां क्या होगा, अभी वाइब्रेशंस होगा, चलिए देखते हैं वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, क्या होता है, ठीक है ना, ओके। तो यहां पे हमारे पास आगे बढ़ते हुए हम लोगों को एनर्जी जब निकालोगे तब ध्यान रखना थ्री बाई टू एन ए के बी टी, ये ट्रांसलेशन मोशन है बेटा, रोटेशन दो मोशन हो रहे टू बाई टू, यस एन ए के बी टी और दो वाइब्रेशन बेटा, काइनेटिक पोटेंशियल वाइब्रेशन मोशन है टू बाई टू, यस एन ए के बी टी। तो बेस इक्वल है बेटा, बेस इक्वल है सबका, बेस इक्वल है ना टू टू टू, तो एडिशन कर सकता हूं टू प्लस सॉरी थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन, तो ये सेवन बाय टू एन ए के बी टी। चलिए तो सीवी निकालना है डी बाय डी टी, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा अभी, लेकिन ठीक है मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। सेवन बाय टू एन ए के बी टी वर्डेड बेटा, तो सीवी इज इक्वल टू मुझे लगता है कि सेवन बाय टू, ठीक है एन ए के बी, तो शायद देयर फोर सीवी इज इक्वल टू सेवन बाय टू आर। अभी सीपी डायरेक्ट लिखो सेवन बाय टू मतलब साढ़े तीन, तो साढ़े चार आना चाहिए तो नौ बाय टू होगा, नाइन बाय टू, यस। तो यहां पे भी गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी, तो ये नाइन बाय टू आर डिवाइड बाय सेवन बाय टू आर, आर आर कैंसल टू टू कैंसल, तो गामा इज इक्वल टू नाइन बाय सेवन, ये रेशियो मिल रहा है, बट इट समझ में आ रहा है बच्चों, ओके चलिए। अभी पॉलीएटॉमिक निकालना है बच्चों, पॉलीएटॉमिक, अब पॉलीएटॉमिक में हमारे पास दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, मुझे लगता है कि यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला है फटक से लिखते हुए आगे भी बढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों, ओके चलिए देखते हैं आगे भी बढ़ते हैं, करेक्ट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं फटाफट, ज्यादा टेंशन ना लेते हुए आगे भी बढ़ना है। चलिए क्या होगा बेटा, यहां पे एनर्जी जो थी तीन ट्रांसलेशन मोशन थ्री बाय टू एन ए के पी टी, टू रोटेशन कोई भी दो एक्सिस होंगे जो रोटेशन होता है, तो टू बाय टू एन ए के बी टी और
अभी ये फ्रीडम पता नहीं वाइब्रेशंस का, लेकिन यहां 2/2 एन ए के बी टी, शायद आपको ये 1 हो जाएगा। यस 2 कैंसिल, यहां पे मत करना क्योंकि ये अलग टर्म्स मान के चल रहा हूं मैं। ये हो रहा बेटा देखो डेढ़ डेढ़ नहीं, यहां 3 होगा ना, यहां 3 होता बेटा, यहां 3 होगा, यस 3 होगा, रोटेशन 3 हो जाएंगे क्योंकि रोटेट अलोंग द एक्स एक्सिस भी होगा अभी ऐसा मॉलिक्यूल से, तो एक्स एक्सिस को भी खाली डायटोमिक डंबल्स नहीं कर सकता है, यहां पे करेगा बेटा करेगा, ये 3 है ध्यान रखना, यहां पे गलती मत करो, यहां 3 ट्रांसलेशन, 3 यहां पे रोटेशन और ये वाइब्रेशन है, तो मुझे लगता है कि 3 और ये एफ होगा, देखो ना ये 3/2 3 हो गया दोनों मिला के, और ये एफ ऐड कर दिया तो कॉमन निकाला मैंने एन ए के बी टी, और पता है आप लोगों को जो अगला होता है तो इसमें तो 1 ऐड करना होता है, जैसे कि सीपीसीबी, अभी मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ये आर लिखने का है, तो सीवी इसका मैंने कर दिया, सीवी इज इक्वल टू डीई बाई डी टी कर दिया, ऐसा मानना है, नहीं तो सर हमेशा करवा के दो तो इसको तो आर बोलूंगा, इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने, ठीक है, और सीपी जो होता है बेटा 4+F होगा बेटा, ये आर, मुझे लगता है कि गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी होगा, तो डायरेक्ट लिखता हूं 4+F डिवाइड बाय 3+F, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको लिखना था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों को थोड़ा सा रेडिएशंस की तरफ, अभी तक जो पढ़ा रहा था बच्चों ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पार्ट था वो था, अभी थोड़ा सा रेडिएशन से, रेडिएशन रेडिएशन मतलब जैसे कि सन से हीट आ रही है, सन से हीट आ रही है ना यहां तक, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत इजी इजी चीजें मैं बताऊंगा आपको। मेरे पास समझो एक ग्लास का स्लैब है बच्चों, एक ग्लास है मेरे पास, दिख रहा है मेरे हाथों में, एक ग्लास का स्लैब है मेरे बच्चे, इसके ऊपर हीट आ रही है समझो, जब भी हीट आएगी तो क्या क्या होने के चांसेस है सर। देखो ये आपके पास ग्लास का स्लैब दिख रहा है मुझे, और ये इंसिडेंट हीट आगे समझो, इंसिडेंट रे बोलता हूं मैं, क्या क्या होने के चांसेस है बच्चों, क्या क्या हो सकता है। एक तो सर रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रे हो सकता है, एक रिफ्लेक्शन रे, एक होगा बच्चों ये ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व होगा, और एक हो सकता है ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड, क्या आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजें हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ट्रांसमिशन, करेक्ट है। तो इंसिडेंट जो अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट क्यू बोलेंगे, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको आर लिखेंगे, क्यू आर मतलब टोटल हीट में से कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल हीट में से कितनी ऑब्जर्व हो रही है और कितनी ट्रांसमिट हो रही है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलिए तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज इक्वल टू, मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिफ्लेक्ट होगी, कितनी ट्रांसमिट होगी और कितनी ऑब्जर्व होगी, कोई टेंशन है बेटा, समझ पा रहे हो, ओके ये चीज समझना बहुत जरूरी है, सबसे इजी, इसके ऊपर डेफिनेशंस आ चुके थे, कोई भी क्वेश्चंस पेपर हमारी वरदान बुक है वो चेक करके देखना है क्वेश्चंस आया था कि नहीं, ठीक है, ये देखना बहुत ही जरूरी है बच्चों, ओके, नहीं तो बहुत सारे बच्चे चेक नहीं करते, तो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो करना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए ओके, तो मैंने क्या किया, इसको Q को डिवाइड बाय Q से किया, सबको Q कर रहा हूं डिवाइड बाय, सबको Q करो QT बाय Q, और ये QA अपॉन Q बेटा, इसका मतलब रिफ्लेक्शन है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से कितना रिफ्लेक्ट कर पा रही, आपके फ्रिजिस के नंबर मिले हैं आप लोगों को, सर 100 में से सर मुझे 87 नंबर आ गए, ऐसे लिखते ना 100 में से 87 आ गए, वैसे टोटल हीट में से कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, सर मुझे 100 में से सर मुझे 94 नंबर आ गए, वाओ क्या नंबर आ रहे हैं मेरे बच्चे को, बहुत ही खुशी हो रही है ऐसे नंबर देख के भाई, ठीक है। वैसे ही ट्रांसमिट मतलब कितनी
अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट में से कितनी ट्रांसमिट कर रही है, या कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं ए को, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो क्यू ए बाय क्यू। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पे वन आएगा, ओके सर, यहां पे आर प्लस टी प्लस ए, समझ में आ रहा है बेटा? कोई टेंशन है? ये इक्वेशन मुझे मिल रहा है, समझ में आ रहा है? तो थम भी होना चाहिए बच्चों, थम की बरसात होना बहुत ही जरूरी है, ओके? चलिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? समझ में आया तो थम होना चाहिए। चलो, थम नहीं होते बहुत बुरा लगता है, थम नहीं देखता हो तो थम आना चाहिए बच्चों। चलिए, तो यही हम लोगों को यहां पे दिया है, ए आर प्लस टी इज इक्वल टू ए वन सिंबल देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, ये डेफिनेशन आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्विटी पावर, ऑब्जर्विटिविटी, ऐसे सवाल आते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है, इस साल भी डेफिनेशन आ सकते हैं बच्चों, तो डेफिनेशन पे फोकस करिए। कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिनको ये इक्वेशंस पढ़ने आता है उनको बाकी की चीजें देखने की जरूरत नहीं है, आता है ना पढ़ने? क्या बोलोगे? रेशियो बेटा, डिवाइड रेशियो किसका, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कितना कर रहा है टू टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट, कितनी इंसिडेंट हो रही थी हीट, हीट यहां से ये क्यू कितना है, इसमें से ऑब्जर्व कितना कर पा रहे आप लोग, कितना ऑब्जर्व कर रहा है ये जो मटेरियल है, कितना ऑब्जर्व कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बेटा, समझ पा रहे हो आप? ओके, समझ में आ रहा है? रेशियो कैसा, सिंपल है, इसका एसआई यूनिट नहीं होता, सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो इसका एसआई यूनिट डायमेंशन नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बाद में कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंबल आर है बेटा, वैसे ही क्यू आर अपॉन क्यू, कैसे पढ़ोगे? रेशियो है, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्ट कितनी हो रही है देखते, क्या बेटा अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी कितनी रिफ्लेक्टेड, ये क्यू आर मतलब रिफ्लेक्ट, टू टोटल एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी इंसिडेंट कितनी हो रही है, इसी को कोएफिशिएंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मुकेश सर थैंक यू फॉर टीचिंग मी एंड माय फ्रेंड्स, सर आप जैसा फिजिक्स पढ़ाता वैसे पूरे यूट्यूब पे कोई भी पढ़ाते नहीं है, दिनेश सर स्वयं सर, यस बेटा हरीश बहुत ही मेहनत करेंगे, टेंशन मत लेना, डट के रहेंगे और करके दिखाएंगे, ठीक है बेटा? ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट कितनी हो रही है, तो बेटा देखते हैं T इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू, सेम रेशियो है, डिवीजन मतलब रेशियो, लेकिन किसका रेशियो है, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड मतलब आर पार चले जाना, इसके पार चले जाना, इसके पार चले जाना, ट्रांसमिटेड टू, टू मतलब डिवाइडेड, क्यू कौन है, टोटल इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो रही है, इसी को कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसमिशन कहेंगे, ठीक है? इसके पहले कुछ डेफिनेशन से बच्चों, एक डेफिनेशन होती है अथर्मस और डायथर्मस, अथर्मस और डायथर्मस, तो अथर्मस क्या होता है और डायथर्मस क्या होता है मैं बता देता हूं, जब हीट पास हो जाए बच्चा, पास हो रही है इसमें से, टोटल हीट आगे पास होगी, T इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, T इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब बेटा यहां पे डायथर्मस बॉडी कहेंगे, मतलब इसमें से हीट क्या होते बेटा पास है ना, हीट पास होना चाहिए, हीट क्या होना चाहिए पास होना चाहिए, देखो बेटा यहां पे से हीट रेडिएशन कैन पास, हीट रेडिएशन कैन पास इज कॉल्ड इज द डायथर्मस बॉडी कहते हैं, अब जहां से हीट नॉट पास हो जाए जीरो हो जाए तो इसको अथर्मस सब्सटेंस कहते हैं, अथर्मस बॉडी भी कहेंगे हम लोग, सब्सटेंस जिसमें से हीट कैन नॉट पास, हीट रेडिएशन लिखना चाहिए एक्चुअली, हीट है ना रेडिएशन कैन नॉट पास, ठीक है बेटा, इसी को अथर्मस सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि लोखंड का टुकड़ा हो सकता है, लोखंड का टुकड़ा हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है उसमें, ठीक है ओके, तो ये पता होना चाहिए,
कभी कभी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ए आर प्लस टी इज इक्वल टू वन है, ठीक है। अगर आपने लिखा ए और आर इज इक्वल टू जीरो तो टी इज इक्वल टू वन, ठीक है, ट्रांसमिटेड कर रहा है, खाली ट्रांसमिट कर पा रहा है, ठीक है ना, ट्रांसमिट कर पा रहा है, ट्रांसमिटेड है, ठीक है ना। कभी कभी हमारे पास ए इज इक्वल टू वन रहा, ये ऑब्जर्विटिविटी पावर, मतलब जितनी हीट आएगी उतना ज्यादा ऑब्जर्व करता है। ये कपड़ा दिखाई दे रहा है भैया, ये दिख रहा है क्या, ये काला कपड़ा, काला कपड़ा, ये काला कपड़ा भाई, धूप काले में नहीं पहनते, क्यों, क्योंकि जितनी हीट आती है उतनी वो ऑब्जर्व करती है, और फील होता है भाई टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी बहुत हो रही है, ऐसे बोलते होंगे आप लोग, ठीक है ना। और यहां पे R इज इक्वल टू वन, बच्चों ये एग्जाम्पल रहा तुम्हारे सामने, ये बॉटल का, इसको पॉलिश किया भैया, जितनी हीट बाहर से आती है ना उतना बाहर से बाहर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन मैक्सिमम करता है, रिफ्लेक्शन क्यों करता है, क्योंकि ये हीट अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर का पानी ठंडा रहा तो ठंडा रहता, गर्म रहा तो गर्म रहता, बेटा पता होना चाहिए, पानी भी पी लेता हूं, ठीक है। ओके बच्चों, और बहुत बड़ी खुशखबरी है, न्यूमेरिकल की सीरीज देखो यार, यह न्यूमेरिकल लेना पॉसिबल नहीं हो रहा था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से उसी की आधारित पे सवाल आने वाले, कितने बच्चे कि सर न्यूमेरिकल को बहुत हेल्प करने वाले हम लोग, नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा, बंद करना अच्छा है क्या, अरे सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, तो आप लोग देखो ना न्यूमेरिकल और शॉर्ट रिविजन, जिनका चैप्टर हो चुका है उनके लिए शॉर्ट रिविजन प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर आपको सब मिलेगा। ये न्यूमेरिकल के मैं दिखा देता हूं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल की जो भी सीरीज है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल की जो सीरीज है बच्चों, वो न्यूमेरिकल की सीरीज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीरीज मुझे लगता है कि ऐसी सीरीज कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी आपको ये सीरीज, मैं जो डाल रहा हूं ना वो श्योर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इसके ऊपर आपके मालूमात के लिए, अगर पता ना हो तो बोल देते बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हुआ भाई, शॉर्ट ऑल वीडियोस वॉच प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, यहां पे सबसे मेन सीरीज है। भाई कहां गई, भाई कहां गई प्लेलिस्ट, कहां गई यहां की, चलो छोड़ देते, बता देता हूं बच्चों, हाँ ये न्यूमेरिकल की सीरीज है बच्चों, देख पा रहे हो ऑक्सीलेशन, हर चैप्टर की न्यूमेरिकल की डाल रहा हूं मैं, देख लेना बच्चों, ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छी न्यूमेरिकल की सीरीज है, और शॉर्ट रिवीजन के भी वीडियोज है, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे उतनी आप भी मेहनत करोगे और वो मेहनत आपकी रंग लाए, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते आगे, हम लोगों को आगे देखना है बच्चों परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पहले क्या देखना है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के ऊपर ज्यादा सवाल आता है, कभी कभी आता है बेटा ये फेरिस पर ब्लैक बॉडी के ऊपर सवाल आता है, ठीक है ना, जुलाई 2022 में, मार्च में, 18, 13, 8 बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर, तो ध्यान रखना ये सवाल आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है। बॉडी विच ऑब्जर्व द ऑल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब बच्चों ये भी इतना परफेक्टली ब्लैक नहीं है, क्योंकि जितनी हीट आएगी उतनी हीट ऑब्जर्व जो मटेरियल करता है इसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, हीट आ गई ऑब्जर्व कर ली, इसी को बच्चों परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्या क्या मेरे साथ बोलो, चलो डेफिनेशन अब भी होनी चाहिए, अ बॉडी विच ऑब्जर्व ऑल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट, जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इसी को बच्चों एनर्जी आ गई, हीट आ गई और पूरी की पूरी ऑब्जर्व कर ली, इसी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। कुछ पॉइंट है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ द डबल वॉल हलो मेटल स्फीयर, एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ हो चुकी है,
मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पॉइंट्स बताने वाला हूं। सबसे मैंने कि अगर जिसका a इज इक्वल टू वन हो बच्चों, a इज इक्वल टू वन हो मतलब ऑब्जर्व करे, उसी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जैसे लैम्प ब्लैक है बच्चों, वो सबसे ज्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, ध्यान रखना। तो जितना गुड ऑब्जर्वर होता करता है उतना ही गुड इमीटर भी होता है। पुअर ऑब्जर्वर पुअर इमीटर, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट खुद का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता है। एग्जाम्पल बोलो बच्चों, चाय होता है, चाय चाय वाला, चाय वाला चाय वाला, चाय 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 वाला होता है। तो चाय वाला क्या करता है बच्चों, चाय जो होती है आपको पता है कि हम लोग इसको बॉइल करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब चाय हम लोग किसी रूम में रखते तो चाय ठंडी होती है। वो चाय ठंडी क्यों होती है, चाय ठंडी होने का कारण क्या है बच्चों, क्योंकि वो चाहता है कि खुद का टेम्परेचर मेंटेन करूं रूम टेम्परेचर जैसा, रूम टेम्परेचर जैसा। इसीलिए वो खुद का टेम्परेचर लो करता है बेटा, इमिट करता है, बाहर डालता है। करेक्ट है मेरे बच्चे, ओके ठीक है। तो आम लोगों को पता है कि इसीलिए बच्चों हम लोग ने क्या, किसी बॉडी को सिल्वर कर रहे हैं, किसी को पॉलिश करते हैं, इसका कारण होता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चंस है और इसी क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो हीट आगे बच्चों देखो यहां पे क्या करते हैं, एक छोटा सा होल करते हैं ताकि मेरी ये जो हीट है ये हीट अंदर चली जाए। ठीक है, हीट अंदर चली जाए तो यहां पे ये हीट अंदर आ गई बेटा, आ गई। ठीक है, तो ये हीट अंदर आने के बाद यहां पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, इसका काम क्या होता है, नॉर्मल हीट इंसिडेंट नहीं होने देता है। अगर नॉर्मल हुई तो एक ही बार इंसिडेंट होगी, खत्म किस्सा नहीं, उसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इस लेवल पे इसको कोनिकल प्रोजेक्शन बना देते हैं, क्योंकि एक बार में वो 97% हीट जो है वो ऑब्जर्व करता है, खींच लेता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्शन होते रहेगा उतना ज्यादा मेरा फायदा है। समझ में आ गया, नंबर एक। नंबर दो बच्चों, यहां पे अंदर का जो सरफेस है बेटा, सरफेस कोटेड किया लैम्प ब्लैक से, हम लोग मराठी में इसको बोलते काजली, काजली नाम सुना है, कितने बच्चों ने सुना है मुझे बताओ, उससे पॉलिश करते, क्योंकि वो हीट जितनी ज्यादा, सॉरी सरफेस जितना ज्यादा ब्लैक उतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन ज्यादा करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, नेक्स्ट इसको डबल वॉल बना देते बेटा। ये जो मेरी बॉटल है, ये बॉटल का भी डबल वॉल है, ये इसके अंदर डबल वॉल है, अंदर एक है और बाहर भी है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहां से बाहर की हीट अंदर ना जाए और अंदर की हीट बाहर ना जाए, हीट ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। मेन टारगेट क्या है, हीट ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। इवैक्यूलेटेड पैसे इसी के कारण तो नहीं हो रहा बेटा। और सिल्वर पॉलिश सरफेस करते, सिल्वर क्यों किया, क्योंकि जितने भी हीट आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापिस चली जाएगी बेटा, ये इसका मकसद है। ओके, तो चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं कुछ इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ द डबल वॉल हॉलो मेटल स्पीयर हैविंग द स्मॉल अपर्चर। इट कंसिस्ट डबल वॉल है यहां पे, और क्या किया बेटा, स्मॉल अपर्चर रखा है ताकि एक ही हीट की लाइन पास हो जाए। इनर सरफेस कोटेड करना है बेटा, किससे, लैम्प ब्लैक से करना है। आउटर सरफेस जो है बेटा इसका निकेल पॉलिश की, क्यों, क्योंकि जो भी हीट अंदर नहीं आना चाहिए, बाहर के अंदर नहीं, अंदर की बाहर। द पेस बिटवीन द स्पीयर, यहां पे दोनों के अंदर का जो पेस है बेटा ये इवैक्यूलेटेड पेस है ताकि हीट ट्रांसफर ना हो जाए। द रेडिएंट एनर्जी एंटरिंग द सपर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन, हमारे बुक्स में 97 दिया है, ये अलग मैंने मन से बनाया था, कुछ कुछ बुक्स में 98 भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अपर्चर एक्ट एज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल के यहां पे हम लोग इसको बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है यार कि इतने पॉइंट बस हो गए इसके अंदर, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना चाहिए, दो मार्क के लिए सवाल आता है, तो शायद हम लोग ज्यादा लिखने से भी कभी कभी परेशानी भी हो सकती है। ठीक है ना, ओके, नंबर्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने से ज्यादा ऑब्जर्व करती है, यही इसका वर्किंग भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों।
हमारे पास इमिशन ऑफ हीट रेडिएशंस, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हमारे बुक्स में जो लिखा है वो आर लिखा बेटा, जो फार्मूला समझ पाएंगे उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। रेडिएंट हीट रेडिएशन, एक्चुअली हीट रेडिएशंस के अलग अलग मोड होते हैं, इसके बारे में भी बता देता हूं। हीट जो रेडिएशन होता है बेटा, कन्वेंशन कंडक्शन एंड रेडिएशन, नाम सुना है कन्वेंशन कन्वेंशन एंड रेडिएशन, रेडिएशन हीट ट्रांसफर करने के मोड है। एक कन्वेंशन, दूसरा है बेटा कंडक्शन, कंडक्शन, और जो तीसरा है बेटा वो है बेटा रेडिएशन, ठीक है ना, रेडिएशन, ठीक है। कन्वेंशन 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 क्या होता है बता देता हूं, कन्वेंशन मतलब बेटा कंडक्शन है। अच्छा, कन्वेंशन में क्या होता है, एक रॉड है बेटा और रॉड को आप लोगों ने गर्म कर दिया, ऐसे जैसे गर्म करोगे तो पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को देगा, दूसरा तीसरे, तो हीट ट्रांसफर होने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे ऐसे लाइन में, 50 लोग बैठे थे एक लाइन में, 50 लोग लाइन में बैठे। मैंने बोला भैया पहले का खाना हुआ, बिरयानी दे दी, एक बड़े सा बड़ा एक ऐसा कोई एक पतला गमेला दे दिया उनको, बोला कि भैया इसमें आप खाओ, आपका होने के बाद दूसरे के देना, दूसरे का होने के बाद तीसरे को देना, तीसरे के होने के बाद चौथा, भैया लास्ट वाले को तो बस दो तीन दिन भूखा रहना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को कन्वेंशन कहना है। और कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में जैसे कि 50 लोग बैठे, एक आदमी है ना बांट रहा है ना, जैसे बोल रहा है बिरयानी 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 बिरयानी, खट 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 डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, डालते जा रहा है। तो भैया ये हो गया कंडक्शन प्रोसेस, ये क्या हुआ है कंडक्शन प्रोसेस। फास्ट या पानी, पानी के पार्टिकल्स खुद नीचे से ऊपर जाते, कन्वेंशन में खुद मॉलिक्यूल नहीं जाता, ओनली हीट ट्रांसफर करता, उसको पूरा हीट एक्सेस होगी तो दूसरे को देता, दूसरे के पास एक्सेस हुई तो तीसरे को, तीसरी की होगी तो चौथे को, पांचवे को, छठवे के, सातवें को, ऐसे हीट ट्रांसफर होती है। और यहां कंडक्शन में पानी उबलना, पानी का पार्टिकल खुद ऊपर जाता, ऊपर का नीचे आता है, देखा होगा पानी जब बॉइलिंग होता है तब देखा होगा आपने, ठीक है ना। और रेडिएशन मतलब जो सन से हीट आ रही है उसी को रेडिएशन कहते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कि मिशन ऑफ हीट रेडिएशन हमारा चल रहा था, यस बच्चों। तो मैं लिखूंगा आर से, उसको आर रेडिएशन जो बेटा आर लिखता हूं, क्यू बाय एटी, जिनको ये पढ़ना आता है उनका खत्म किस्सा बच्चों, देखते हैं, ओके देखते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द क्या, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन बोल सकते हैं, या रेडिएंट हीट भी बोल सकते हैं, या इमिसिव पावर भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इमिसिव है ना, क्या दे वाला है इन्होंने, इमिसिव पावर भी कह सकते, इमिसिव पावर भी बोल सकते बेटा। अमाउंट ऑफ हीट ये हीट है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या अमाउंट ऑफ हीट रेडिएंट बाय बॉडी डिपेंड किसके ऊपर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है उसका इस बॉडी का, नेचर कैसा है इसका, है ना, वो पॉलिश है नॉट पॉलिश है, सरफेस एरिया कितना है, और टाइम ड्यूरेशन कितना बेटा जो हीट रेडिएशन कर रहा है इमिट कर रहा है इसके ऊपर। तो हमारे पास ए भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है ना, और ये अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन जो है ये भी दिख रहा है, तो इसी को कहते बच्चा पार्टी मिशन ऑफ हीट रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इमिसिव पावर किसको कहते हैं, या इमिसिव पावर मैंने जो बताया था वही है आप लोगों को, तो वहां पे दिखा सकता हूं आर, तो ये अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। देखो द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन, क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया ए पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज इमिसिव पावर ऑफ बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर भी जो भी होगा इसी को इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर भी बोलते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एसआई यूनिट अगर डायमेंशंस निकालना है तो निकाल सकते हैं बच्चों, एसआई यूनिट निकालते हैं हम लोग इसका, एसआई यूनिट क्यू को जूल में लिखा जाता बेटा, एरिया को मीटर स्क्वायर, और टाइम को सेकंड में लिखा जा सकता है। या आप लोगों को और नॉलेज हो तो पावर का एक फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम,
वर्क को जूल में, टाइम को सेकंड में लिखते हैं, बट पावर का एक यूनिट है वैट नाम का, तो जूल पर सेकंड के जगह पे लिख सकते हैं वैट और मीटर्स, सॉरी मीटर स्क्वायर, या वैट मीटर इनवर्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके डायमेंशन लिखेंगे बच्चों अभी, आर के रेडियंट पावर या एमवीसी पावर जो भी लिखा होगा आपने। जूल के डायमेंशन हमने हमेशा सुने हैं एम वन एल टू टी माइनस टू। बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट के नाम के यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, मीटर को हम लोग एल टू कहते हैं और टाइम को टी वन कहते हैं। बेटा शायद आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे एल टू कैंसल, एम वन एल जीरो, टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री, ऐसा कुछ डायमेंशन मिलना चाहिए। एम वन एल जीरो टी माइनस थ्री, ये इसका क्वेश्चन आ सकता। डिफाइन द एमवीसी पावर गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, लिख के लो बच्चों, लिख के लेना ये सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये सवाल आना चाहिए इस साल। एमवीसी पावर गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, आई एम पी लिखो यहां पर, ठीक है। एमवीसी पावर के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैंने, वो डिपेंड किसके पे करता है, टेम्परेचर कितना है बॉडी का, उसके ऊपर वो इमिट कितना करना है, इमिशंस कितना करना है वो डिसाइड करेगा, उसका सरफेस एरिया, नेचर कैसे है बॉडी का, नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिसी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर बॉडी सेम, मतलब ब्लैक बॉडी का इमिसी पावर सबसे भारी, सबसे ज्यादा होता है, परफेक्टली बॉडी जो है गुड इमिटर होता है, ठीक है। अभी हम लोगों को कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन और इमिसिविटी देखना है। हमारे हिसाब से ये डेफिनेशंस को ऐसा लिखा जाए फॉर्मूले के फॉर्म में, E इज इक्वल टू R अपॉन RB, ठीक है। इन इक्वेशन को जो बच्चा पढ़ पाता है, रीड कर पाएगा, वो बच्चों को इजी लगने वाला है। देखते कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशंस और इमिसिविटी ऑफ गिवन सरफेस इज द रेशियो ऑफ, देखो इसी को E, E इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन या इमिसिविटी ऑफ गिवन सरफेस, रेशियो है किसका बेटा, इमिसिव पावर ऑफ द सरफेस टू इमिसिव पावर ऑफ आरबी। ये इमिसिव पावर है ऑर्डिनरी बॉडी का, और आरबी का मतलब वो ब्लैक बॉडी का इमिसिविटी है, ब्लैक बॉडी का इमिसिव बेटा है ना, आरबी, आरबी परफेक्ट ब्लैक सरफेस एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ सेम टेम्परेचर बेटा, ठीक है, पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, सिंपल से है फार्मूला। आपको परफेक्ट ब्लैक बॉडी रहित, अगर आपके पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी रही तो इमिसिविटी वन होता है। अगर एकदम परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, जैसे परफेक्ट ब्लैक है सरफेस से, तो इसका होगा इमिसिविटी इज इक्वल टू वन। और परफेक्ट रिफ्लेक्टर रहा, अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर रहा तो E इज इक्वल टू वन, क्योंकि बेटा ये ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, आई हिट वापिस जा रही, आ रही वापिस जा रही, अंदर जा रही ही नहीं इसके, समझ पा रहे हो, अंदर जा रही ही नहीं बेटा। ऑर्डिनरी बॉडी जो होती है उनके लिए जीरो इज लेस देन E और E लेस देन वन, मतलब इसकी इमिसिविटी जीरो से बड़ी और वन से छोटी। हमारे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है बेटा, इमिसिव कॉपर का 0.3 दिया है, ठीक है। इमिसिविटी लार्ज, लार्ज किसकी होती है, जिसका रफ सरफेस ज्यादा उनका लार्ज होता है, ठीक है। और पॉली सरफेस ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, मैं आगे बढ़ने वाला हूं बच्चों, ठीक है। अब है क्रिस्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड थियोरेटिकली प्रूफ, 17 में सवाल आ चुका है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जिनको ये समझ में आएगा, जितनी हीट आएगी ऑब्जर्व करेगी उतना तो इमिशन होगा, जितना खाया उतना काम किया, हम लोग तो खाते और सो जाते, पढ़ाई नहीं करते भैया, करना पड़ेगी, जितना खाओगे उतना ही मिलेगा बेटा। तो कैसे पढ़ोगे, स्टेट दैट गिवन टेम्परेचर रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी सेम टेम्परेचर फॉर ऑल वेवलेंथ। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दूसरी एक डेफिनेशन है, और कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन ये भी डेफिनेशन है। मेरा एक सवाल है बेटा, कोई एक बॉडी है समझो हीट आ रही है, तो आप लोग कैसे लिखते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, क्यू ए बाई क्यू लिखे होगी,
ऐसी लिखोगे ना मेरे भाई? यस यार नो, कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स ऑफ मिशन, ऐसे ही लिखोगे ना? तो मुझे क्यू ए निकालना है, तो ए इंटू क्यू होगा। यस मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है तेरे को? अच्छे, कोई टेंशन। मुझे बताओ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो रहा है? ये है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए क्यू इज इक्वल टू आर, इसके थ्रू लिखू तो। सर ये क्या है, मतलब क्या है बेटा? टोटल अमाउंट ऑफ हीट में से कितनी हीट मेरी ऑब्जर्व हो रही है उतना ही इमिशंस होगा। कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यू ए का मतलब कितनी हीट ली है, जितनी लेगा उतनी ही बाहर डालेगा। समझे? ये समझ में आया बच्चों? ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, लेकिन किसके लिए? ये फॉर ऑर्डिनरी बॉडी है ना। ये लिख सकता हूं मैं यहां पे फॉर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ओके। लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी रही फॉर, ऐसे लिख सकता अभी ब्लैक बॉडी रही, तो a इज इक्वल टू वन है, तो यही इक्वेशन q इज इक्वल टू आर भी लिखना पड़ेगा। इस इक्वेशन को वन बोलेंगे और ये इक्वेशन को दो बोलेंगे। कोई टेंशन है भाई? समझ में आ रहा है? ओके ओके, ये समझ में आ रहा है? तो वन बाय सेकंड करते, वन है बेटा ए क्यू बाय क्यू, ये है आर अपॉन आर बी, तो क्यू से क्यू के गया ए इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी। बट सबको पता होगा आर बाय आर बी की कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशंस की डेफिनेशंस अभी अभी जिन बच्चों को ना पता हो लिखी थी, कोएफिशिएंट्स ऑफ इमिशन या इमिसिविटी बोला था अभी अभी, वही लिखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं बच्चों। ओके, सो ए इज इक्वल टू ई, ये प्रूफ हो गया बेटा। थ्योरेटिकली प्रूफ करना था, थ्योरेटिकली प्रूफ करना था, कर दिया, समझे? ओके चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। ये कुछ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी बेटा। एक मैंने एक सब मतलब एक सोर्स लिया, ऐसा कोई तो एक सोर्स है ऐसा, ठीक है। एक टेम्परेचर पे ये अलग अलग ऐसे वेवलेंथ से हमारे रेडिएशन बाहर निकाल रहे थे, ये है ना। एक टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ की वेव्स या रेज बाहर निकल रही है, कोई सोर्स है? मैंने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर देने से यहां पे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की ऐसी कोई ना कोई ऐसे वेव्स बाहर निकल रही थी या रेज निकाल रही थी, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ऑल ऑब्जेक्ट विद द टेम्परेचर अबाउट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर छोड़ के इमिट एनर्जी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो वही ऑब्जेक्ट हीट को रेडिएशन नहीं करता है, बाकी टेम्परेचर पे वो हीट को रेडिएशन को बाहर इमिशन करते रहता है, हमेशा करते रहता है, करेक्ट है? ऑल ऑब्जेक्ट कोई भी, ये मार्कर है, इसका टेम्परेचर है, हीट बाहर निकल रहा है, पेन है ये निकल रहा है, ये ग्लास लैब है ये भी हीट रेडिएशन कर रहा है कोई ना कोई टेम्परेचर पे, ठीक है। ब्लैक बॉडी इज अ थ्योरेटिकली और मॉडल द बॉडी ऑब्जर्व द ऑल रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट। बेटा जितनी भी रेडिएशन से ये ब्लैक क्यों दिख रहा है पता आपको? ये कलर कैसे दिखाई देते हैं बेटा? ब्लैक दिखने का कारण ये है कि यहां पे सभी के सभी कलर गए, वेवलेंथ होते ना आपको पता होगा, वीप गौर कहते हैं, इंडिगो वायलेट ब्लू रेड जो भी है ना, वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ का कारण हम लोगों को कलर दिखाई देता है। रेड की एक वेवलेंथ होगी, ब्लू की अलग है, ग्रे की, हर की किसी किसी की अलग है। तो यहां पे चलेगी पूरी की पूरी लाइट और यहां से पूरी वेवलेंथ उसने ऑब्जर्व कर दी और बाहर डाली नहीं, इसलिए ब्लैक दिख रहा है भैया, ब्लू क्यों दिख रहा है? यहां पे आगे लाइट इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद इस ब्लू कलर की जो वेवलेंथ थी वही वापिस आ गई। आप समझ रहे हो? सर रेड क्यों दिख रहा है? मैं अगर यहां रेड कलर है यहां पे, अगर ये रेड कलर क्यों दिख रहा है सर? ये रेड कलर दिखने का कारण क्या है? ये रेड कलर इसलिए दिख रहा है कि और वेवलेंथ इंसिडेंट होगी, ओनली रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो वापिस आगे बेटा, वापिस आगे, इसी के कारण मुझे रेड दिखाई दे रहा है।
समझ रहे हैं, आ रहा है भाई कुछ जबरदस्त। ब्लैक बॉडी इज थियोरेटिकली मॉडल द बॉडी ऑब्जर्व द ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग नॉन, मतलब इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ इसलिए ब्लैक बॉडी दिखाई दे रही है। हाइपोथेटिकली ऑब्जेक्ट विच परफेक्ट ऑब्जर्व और परफेक्ट मीटर और रेडिएशन ऑल वेवलेंथ, ठीक है मैं अभी यहां पे ज्यादा ना पढ़ाते हुए मैं सीधी सीधी बात पे आता हूं बच्चों, इस ग्राफ पे आता हूं। ये ड्रॉ द लेबल डायग्राम बोल के डायग्राम आती है, ध्यान रखना इसके ऊपर। ये है वेवलेंथ है बेटा नैनोमीटर में, ये हमारी रेडिएंट पावर है, रेडिएट जो कर रही है। मैंने क्या किया, पहले 3000 केल्विन इतना टेम्परेचर दिया तो मेरा कुछ ग्राफ इस लेवल पे मिला बेटा, ठीक है। बाद में मैंने 4000 किया तो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा था, ठीक है। और मैंने 5000 किया तो कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा था। क्या समझ में आ रहा है? सर मेरा ग्राफ जो पिक है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखो इसका पिक यहां, इसका यहां है, मतलब इधर हो रहा है, यहां है इसका और इधर है, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ मेरा जो भी टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ शिफ्ट हो रहा है यहां पे। बच्चों ये लैम्डा मैक्स नहीं है, वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है, इस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन इमिट हो रही थी वो वेवलेंथ है, ध्यान रखना। ये वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, जिस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वो ऑब्जेक्ट वो बॉडी जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा वेवलेंथ की ये रेडिएशन बाहर डाल रहा था बच्चों, इसको लैम्डा मैक्स बोला है। जिस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा रेडिएशंस वेवलेंथ है ना, सबसे ज्यादा रेडिएशंस बाहर डाल रहा था वो वेवलेंथ है बेटा, वो लैम्डा मैक्स है। बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर ध्यान रखना 3000 4000 5, बाद में 5.5 लेना है, ध्यान रखना गड़बड़ मत करना। ये जो रेंज बेटा ये विजिबल है तो वो शिफ्ट हो रहा था इधर, मतलब टेम्परेचर का और वेवलेंथ का एक रिलेशन मिल रहा है बेटा। लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे लैम्डा मैक्स मेरा शिफ्ट हो रहा है इधर। देख पहले इधर है, बाद में थोड़ा सा इधर, एक ग्राफ थोड़ा सा इधर और इधर, और टेम्परेचर बढ़ा इधर, इस तरफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब लैम्डा मैक्स जो बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। ओके, इसी के ऊपर एक लॉ मिला है मुझे, वो लॉ है बेटा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। कौन सा लॉ बेटा? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वही कहता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा मैक्स वेवलेंथ नहीं है बेटा, लैम्डा मैक्स है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट लिया बेटा डिवाइड बाय टी, बी इज द विंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट है। कौन है बेटा ये? विंस डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट है। और इसकी भी एक हमारे पास वैल्यू बेटा b इज इक्वल टू 2.897 है क्या 10⁻³ मीटर केल्विन होगा, मीटर केल्विन ओनली, मीटर पर केल्विन नहीं है, ठीक है मीटर केल्विन है बेटा। समझ में आ रहा है? ये इसकी वैल्यू, एक जो कांस्टेंट दी वाली वैल्यू, वैल्यू याद रखना 2.897 10⁻³ मीटर केल्विन, यही वैल्यू है बेटा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे हमारे पास ये जो यूज इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमाइन द फार बहुत दूर वाले जो स्टार है उनका टेम्परेचर मेजर करना, टू डिटरमाइन द मेजर द टेम्परेचर कर सकते हैं, मेजर करने के लिए काम आता है लॉ यूजफुल डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार सन मून, जो दूर है उनका टेम्परेचर गिनने के लिए काम आता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, बाद में लास्ट और फास्ट कर रहे हैं और इसका नाम है बच्चों बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इजी है और बहुत बिजी है। कैसे? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर सॉरी फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा। रेडिएशन जो है बेटा द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ पावर रेडिएंट पर यूनिट एरिया ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा। ये आर तो आर नहीं है, ये क्यू बाई एटी है। क्यू यही तो लिखा है रेडिएंट एनर्जी, मतलब क्यू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और परफेक्टली ब्लैक बॉडी इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आर इज इक्वल टू निकला है कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा सिग्मा टी रेस टू 4। तो ये सिग्मा जो बेटा स्टीफन है ना, स्टीफन
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है और इसकी भी एक वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 रेस टू आई थिंक -8 है क्या, देख लेना ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों को गिवन में देते हैं लेकिन पता भी होना बहुत जरूरी है ना, जूल पर मीटर सेकंड केल्विन रेस टू 4 है ना, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेस टू 4 ठीक है बेटा। ओके इसी को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं 5.76 इंटू 10 रेस टू -8 जूल पर सेकंड को वैट लिखेंगे, मीटर को ऊपर लेके गया, केल्विन रेस टू -4 इसी का शायद डिफाइन या स्टेट द स्टेपन्स लॉ, स्टेपन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्टेपन बोल्ट्जमैन्स लॉ एंड गिव्स यूनिट एंड डायमेंशन, ऐसा सवाल आया तो ये इक्वेशंस लिखना है बच्चों, साथ में इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन के लिए देखते हम लोग, आई विल ट्राई डोंट क्रैक। जूल के डायमेंशन मैंने बोला है बहुत बार m1 l2 t-2 बेटा डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर मतलब l2 सेकंड है t1 और ये केल्विन रेस टू 4 तो l2 गेट बी कैंसिल तो m1 l0 बेटा t-3 और केल्विन रेस टू -4 ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, ये इसके डायमेंशंस भी है। ओके अगर यही फार्मूला आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो r की जगह पे q/at तो ये सिग्मा t रेस टू 4 कैसे डायमेंशंस लाए सर, अगर किसी ने पूछा तो लिख सकते हो सिग्मा ये q/at टी रेस टू 4 तो सिग्मा q को जूल में लिखा जाता है, q इज द हीट एनर्जी बेटा, जूल है, एरिया मीटर स्क्वायर में, टाइम है सेकंड में और ये टेम्परेचर केल्विन रेस टू 4 तो इस लेवल पे आप लोग अपने यूनिट और डायमेंशन भी निकाल सकते हो। बाद में इसका जो भी एक लास्ट का फार्मूला था वो भी निकाल सकते हो आप लोग, तो अभी इसके बाद में जो सवाल है वो आपको खुद को करके देख सकते हो, डिफरेंस निकालना है टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 टेम्परेचर का डिफरेंस है बस, बाकी कुछ नहीं। इस वक्त इसके न्यूमेरिकल के लिए मैं सीरीज बना के दे रहा हूं बेटा, वो देखना भी जरूरी है, बच्चे देखते नहीं है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जितना हो सके शक्ति बैच में न्यूमेरिकल लेक्चर जो दिए है तो देखो कि यूट्यूब पर देखा ना बेटा, मिशन VJTI वाह वीर जीता माता वाह वाह बहुत बढ़िया, मिशन ये मिशन भी अपना वर्ड है बेटा, मिशन पे रहना चाहिए, जब तक नहीं होता है तब तक पीछे मत हटो। और देखो यार हम लोग हमारे तरफ से जितना होगा उतना कंटेंट दे रहे, न्यूमेरिकल पूरे तरीके से बहुत ही खतरनाक कर रहा हूं, न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करो और शॉर्ट रिवीजन भी करो, कुछ बच्चे के चैप्टर होते मराठी में कवाते पूरे पार्ट मांगे सपाट ऐसे नहीं चाल बहुत पूरे पार्टन मांगे सपाट ऐसे नहीं चलना, उसके लिए मेहनत 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 के बिना कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए रात दिन मेहनत करने की कोशिश करो, अभी भी हो सकता है, क्यों हारते हो मुझे यही पता नहीं यार, हिम्मत रखो बोलो एक बार ऑल इज वेल, मैं कर सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी, लेकिन उसके लिए आपको रात दिन मेहनत 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 करो, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हुए आप अपने नंबर अच्छे तरह से लाओगे।